Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं explain करने वाली हूँ recently released drama Mr. Bad को. तो अगर आपको My Girlfriend is an Alien season 2 बहुत ज्यादा पसंद आया है तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये ड्रामा भी काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो इस खूबसूरत और रोमांटिक सीरीज की स्टार्टिंग होती है नैन्सी नाम की लड़की से, जो कि बस ग्रेजुएट होने वाली है. ये 22 साल की है और ये एक नॉवेल राइटर है. नैन्सी जा रही होती है तभी एक लड़का उसे फॉलो करने लग जाता है. पहले तो नैन्सी को लगता है कि शायद दाल में कुछ तो काला है, लेकिन वो लड़का उसे उसकी नॉवेल दिखाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी नॉवेल पूरी पढ़ी है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है. नैन्सी भी सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन तभी वो देखती है कि एक चोर एक लेडी का बैग लूट कर लेकर जा रहा होता है. लेकिन नैन्सी बड़े ही स्टाइल में नॉवेल से उस चोर को रोक लेती है, उसकी बहुत ज्यादा धुलाई कर रही होती है और वो लड़का भी सब कुछ देख रहा होता है. वैसे तो ये लड़का उसे काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसकी इन हरकतों को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है डर कर कि कहीं नैन्सी उसकी बेहद से धुलाई ना कर दे. वैसे तो हमारी हीरोइन बहुत ही चुलबुली, बहुत खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है, लेकिन वो लड़कों को ऐसे ही हमेशा धोती रहती है जो भी उसे तंग करते हैं. तो इसलिए उसका कोई भी बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं है और वो सिंगल है. नैन्सी जाकर सारा से मिलती है, जहाँ सारा फिर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाती है. वो उसे कहती है कि फाइनली तुम्हारा ड्रीम अब पूरा होने जा रहा है. दरअसल नैन्सी का सपना था कि वो अपनी आइडल के साथ में काम करे, जो कि एक नॉवेल ऑथर है और उसका नाम जैंग है. हमारी पागल और झल्ली सी हीरोइन चैंग की नॉवेल्स की दीवानी है. नैन्सी कल चैंग के पर्सनल सेक्रेटरी के इंटरव्यू देने के लिए जा रही है. नेक्स्ट सीन में नैन्सी अपने घर पर होती है और वो अपनी नॉवेल को एक बार चेक कर रही होती है, जिस पे लोगों ने बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए हुए होते हैं, जिनमें ये लिखा हुआ था कि ये तो एकदम नॉर्मल लव स्टोरी टाइप ही है, क्योंकि इसमें तो कोई एडवेंचर ही नहीं है और ना ही इसमें कोई विलन है. नैन्सी को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो सोचती है कि बात तो वैसे सही है, तो इसलिए वो अपनी नॉवेल में एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैंडसम और चार्मिंग बंदी को विलन बना देती है, जिसके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर होती है, साथ ही वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी होता है. यहाँ इस हैंडसम से विलन का नाम होता है वुडी. वो ब्राइड की डोली को रोक लेता है और वहाँ पे उसके सारे आदमियों को मार डालता है. और यहाँ हम ब्राइड का चेहरा देखते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी हीरोइन यानी कि नैन्सी होती है. नैन्सी ने अपनी नॉवेल में खुद को हीरोइन और चैंग को अपना हीरो बनाया था, लेकिन उसका विलन भी किसी से कम नहीं था. वो उससे कहता है कि तुम स्माइल करो क्योंकि तुम अब मेरी ब्राइड बनने वाली हो. नैन्सी नॉवेल की स्टोरी लिख रही होती, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि तुम्हारे विलन का करेक्टर है वो तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हीरो का करेक्टर होना चाहिए. लेकिन नैन्सी कहती है कि नहीं, ये विलन है और ये विलन ही रहेगा, क्योंकि ये हैंडसम और ब्रियो होने के साथ साथ फ्लर्टी भी है और थोड़ा सेल्फिश भी. जिसके बाद नैन्सी फेरी फाउंटेन के पास जाती है, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो भी फेरी फाउंटेन पर आकर अपनी विश को मांगता है और वहाँ पर एक कॉइन फेंकता है तो उसकी विश मंजूर हो जाती है. लेकिन हम वहाँ पर एक मिस्टीरियस से बंदे को भी देखते हैं, जहाँ पर नैन्सी उसे कहती है कि मैं बचपन से यहाँ पर आ रही हूँ और मैं सालों से देख रही हूँ कि तुम यहीं पर रहते हो और सारे विश कॉइंस को यहाँ से निकालकर अपने पास रख लेते हो. मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा काम ढूंढ लेना चाहिए जिसमें तुम्हें थोड़े ज्यादा पैसे मिल सके. जहाँ पर वो बंदा फिर ये कहता है कि जो कॉइन तुमने अपने लॉकेट में पहना हुआ है, अगर तुम ये कॉइन फेंक कर विश मांगती हो तो वो विश तुम्हारी 100% पूरी हो जाएगी. लेकिन नैन्सी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, जहाँ पर तभी एक प्यारा सा कपल आता है और वो दोनों आपस में विश मांग रहे होते हैं और नैन्सी का माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो जाता है. वैसे तो वो यहाँ पर यही विश मांगने आई थी कि कल उसका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उन दोनों को देख कर वो ये विश मांग लेती है कि उसे उसका अनफॉर्गेटेबल लव मिल जाए. विश मांगते ही उसका कॉइन शाइन करने लग जाता है और वो अपने आप से निकल कर उसके लॉकेट से सीधा फाउंटेन में जाकर गिर जाता है. नैन्सी अपना कॉइन ढूंढने के लिए फाउंटेन में जा रही होती है, लेकिन तभी वो अचानक से देखती है कि जैसे जैसे वो अंदर जा रही है फाउंटेन गहरा होता जा रहा है. जहाँ पर उसे कॉइन तो नहीं मिलता, लेकिन वहाँ पर उसे एक बहुत ही हैंडसम सा बंदा मिल जाता है जो कि बेहोश था, जिसे टच करते ही नैन्सी की नींद खुलती है और वो सोचती है कि थैंक गॉड ये कोई सपना ही था. लेकिन अपने सामने देखती है कि उसके गोद में वो बंदा लेटा हुआ था. नैन्सी पहले तो डर जाती है, वो वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि ये उसी की जिम्मेदारी है और वो उसे वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है, जहाँ वो फिर अपने आप में ही बड़बड़ाने लग जाती है. लेकिन तभी उस बंदे की आंखें खुल जाती हैं एंड गाइस ये कोई और नहीं बल्कि नैन्सी के नॉवल का विलन कैरेक्टर था, जो कि अब उस फेरी फाउंटेन की वजह से उसकी रियल लाइफ में भी आ गया था. नैन्सी बहुत डर जाती है, वो फिर से भागने लग जाती है, लेकिन फिर वुडी उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती. नैन्सी यहाँ पर कहती है मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ में क्यों रहूंगी.
बुडी फिर उसे चेकआउट करने लग जाता है और उसकी ड्रेस को देखकर कहता है कि ये तुमने कैसे अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। नैन्सी अपने मन में सोच रही होती है, अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्योंकि यहाँ पर इतने अजीब से कपड़े तो खुद वुडी नहीं पहने हुए होते हैं। नैन्सी कहती है कि मैं 21st century की इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ, मैं जो चाहे वो पहन सकती हूँ। वुडी को यहाँ पर उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है और वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो नैन्सी उसे बताती है कि तुम डूब रहे थे और मैंने तुम्हें बचाया क्योंकि मैं अपना कॉइन ढूंढ रही थी। लेकिन फिर वुडी कहता है कि अगर ऐसा होता तो मेरे बाल और मेरे कपड़े भीगे हुए होते, लेकिन ये तो सूखे हुए हैं, इसका मतलब कि तुम झूठ बोल रही हो। साथ ही वो कहता है कि अच्छा तो तुम इस कॉइन को ढूंढ रही थी और वो कॉइन उसके हाथ में ही था, जो कि वो उसे नहीं दे रहा था। और फिर नैन्सी उसे कहती है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस है, तो प्लीज मुझे वापस कर दो। फिर फाइनली वो उसे वो कॉइन देकर वहां से जा रहा होता है। नैन्सी उसके पीछे पीछे जाने लग जाती है, जहाँ पर वुडी ये कह रहा होता है कि अच्छा तो फिर तुम्हें मेरी जान बचाने का रिवॉर्ड चाहिए। वो उसके पास जाकर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी नैन्सी उसे बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, तुम जा सकते हो। रास्ता क्रॉस करते हुए वुडी लाइट को नहीं चेक करता है क्योंकि वहाँ पे रेड लाइट थी, और इसलिए कुछ गर्ल्स उसे रोकती हैं और फिर उसे वहाँ के रूल समझाती हैं। साथ ही वो कहती हैं कि तुमने कैसे कपड़े पहने, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो, और वो उसके साथ में सेल्फीज लेने लग जाती हैं। वुडी को तो ये सब कुछ पता ही नहीं था, उसने तो फोन भी पहली बार देखा था और वो काफी ज्यादा शौक हो रहा था, और वो भी उनके साथ में पाउट बना बना के फेसेस बना बना के फोटोज क्लिक करवा रहा होता है। फिर वो लाइब्रेरी में बुक पढ़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन देखता है कि लाइब्रेरी तो बंद है क्योंकि काफी रात हो चुकी थी। जब वो अपनी सुपर पावर का यूज करते हुए एकदम बड़ी बड़ी जंप मारते हुए लाइब्रेरी के अंदर पहुंच जाता है। जैसे ही वो सारी बुक्स देखता है, वो बुक्स पढ़ रहा होता है, तो उसे समझ में आ जाता है कि वो तो 5000 साल बाद यानी कि फ्यूचर में आ गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन क्या है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी मॉर्निंग में एकदम टिप टॉप बनकर चैन की कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, जहां जाकर वो बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू दे रही होती है। लेकिन वो जैसे ही देखती है कि चैन वहां पर आया है, वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और उसके किसी भी सवाल का जवाब वो सही से नहीं दे पा रही होती है। जैसे ही इंटरव्यू फिनिश होता है, वो जा रही होती है, तो चैंग की फ्रेंड जोई उसे देख लेती है और उसे नैन्सी काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन नैन्सी को तो यही लग रहा था कि आज वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। जब वो जा रही होती है तो उसकी हील्स फंस जाती है, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी हील्स पहनी ही नहीं थी। वहाँ पे बैठे हुए लोगों से वो हेल्प मांग रही होती है, लेकिन सब उसको देखकर वहाँ से हंसकर निकल रहे होते हैं और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। नैन्सी सोचती है कि ये लोग कितने ज्यादा अजीब हैं, जो कि मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहे हैं। फिर वो सोचती है कि काश कोई ऐसा होता कि जो उसकी हर चीज में हेल्प करने के लिए पहुँच जाता। जहाँ पर तभी हम देख पाते हैं कि वुडी लाइब्रेरी में बैठा बहुत सारी बुक्स पढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं और वो सीधा टेलीपोर्ट होकर नैन्सी के पास में पहुँच जाता है, जहाँ पर एक लेडी फूल बेच रही होती है। वो वुडी को देखती है, उसे वुडी की ड्रेस बहुत पसंद आती है, तो वो एक फूल उसको भी पकड़ा देती है। वुडी नैन्सी को देखता है, वो उसके पास जाता है और वो उसे फूल देते हुए कहता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। जहाँ पर नैन्सी बोलती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। फिर उसे याद आता है कि ये तो वही फेरी फाउंटेन वाला बंदा है, वो उसे अवॉइड करने लग जाती है। लेकिन वुडी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। नैन्सी उसे हेल्प नहीं ले रही होती है, लेकिन फिर वुडी को गुस्सा आता है और वो अपनी सुपर पावर यूज करके उसकी हील को ही तोड़ देता है, जिससे कि नैन्सी वहां से निकल पाती है आराम से। फिर वुडी उसे ये बताता है कि वो 5000 साल पहले यानी कि एंशिएंट टाइम से आया है, लेकिन नैन्सी को तो उसकी बात पर यकीन नहीं होता। वो उससे कहती है कि शायद तुम पागल हो गए हो। वुडी कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और तुम ही मुझे यहाँ पर लेकर आई हो। मेरी जब आंखें खुली तब मैं तुम्हारी गोद में था और तुमने ही यही बात मुझे बताई थी, यानी कि उस टाइम तुमने मुझे पहली बार बुलाया था। नैन्सी कहती है, तो मैंने तुम्हें दूसरी बार कब बुलाया। जहाँ पर वुडी कहता है कि अभी अभी, क्योंकि मैंने तुम्हारी हेल्प हेल्प की आवाज़ सुनी थी और ना चाहते हुए भी मैं ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पर तुम्हारे पास में आ गया। नैन्सी फिर भी उसकी बातों को यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वुडी कोई और नहीं बल्कि उसकी नॉवेल का विलन कैरेक्टर वुडी है, जिसे कि उसने ही बनाया था, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। जहाँ पर तभी बस आ जाती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। फिर से एक बार वो फेरी फाउंटेन के पास आती है, जहाँ पर वुडी भी उसका पीछा करते करते पहुंच जाता है, तो नैन्सी उसे बोलती है कि प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो। जहाँ पर वुडी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है और मेरे यहाँ पर आने के जिम्मेदार भी तुम ही हो, तो जब तक तुम मुझे वापस नहीं भेज देती मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं अपने टाइम का बहुत ही फेमस इंसान हूँ और मैं बहुत ज्यादा ब्रेव हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मेरे पास बहुत सारी सुपर पावर है। वुडी नैन्सी से कहता है कि तुम याद करने की कोशिश करो कि ऐसा तुमने कल क्या किया था जो कि मैं यहाँ पर आ गया। फिर नैन्सी उसे बताती है कि उसने तो गर्ल सिंपल सी एक विश मांगी थी कि वो इंटरव्यू में पास हो जाए और उसे ये जॉब मिल जाए। वुडी को ये बात थोड़ी सी अजीब लग रही होती है, लेकिन तभी नैन्सी को याद आता है कि उसने एक और विश मांगी थी कि उसे उसका अनफॉर्गेटेबल लव यानी ट्रू लव मिल जाए।
लेकिन ये बात वो वुडी को नहीं बताती है, जहाँ पे वुडी उससे कहता है कि ठीक है, जो भी तुमने कल प्रोसेस किया था वो हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से वापस जा पाऊँ। नैन्सी फेरी फाउंटेन से विश मांगती है और कहती है कि वुडी जहाँ से आया है उसे वहीं पर भेज दिया जाए और उसकी ये विश पूरी हो जाए। साथ ही वुडी उसका वो कॉइन भी फेरी फाउंटेन में फेंक देता है, लेकिन ये क्या अभी भी विश पूरी नहीं हुई है और वुडी भी वहीं पे है, जहाँ पर नैन्सी कहती है कि हो सकता है कि ऐसा इसलिए हुआ हो क्योंकि ये विश तो उसने अपनी ड्रीम में मांगी थी। वुडी फिर उसे फटाफट से सोने के लिए कहता है, दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। नैन्सी को नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन वुडी उसे शांत करता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी सोना चाहिए और ड्रीम देखना चाहिए। नैन्सी की आंख खुलती है और वो देखती है कि वो फेरी फाउंटेन के पास में ही है और वहाँ पर उसे वही मिस्टीरियस बंदा मिलता है जो कि कोई और नहीं बल्कि फेरी गॉड होते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे हेवन में क्या कर रही हो, मैंने तो तुम्हारी विश को पूरा कर दिया है। नैन्सी कहती है कि मैंने तो आपसे अपना ट्रू लव मांगा था, लेकिन आपने मेरे नॉवल के कैरेक्टर को ही यहाँ पर भेज दिया है, मुझे वो नहीं चाहिए तो आप उसे अब वापस भेज दीजिए। लेकिन फेरी गॉड कहते हैं कि तुम्हारी विश ऑलरेडी ग्रांटेड हो चुकी है तो वो अब वापस से नहीं ली जाएगी। नैन्सी उसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लग जाती है, वो जा रही होती है तो वो उसे रोकती भी है, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनते हैं और वापस से उसे उसकी दुनिया में भेज देते हैं। होश में आते ही नैन्सी देखती है कि अभी भी वुडी सो रहा होता है, तो वो इस मौके का फायदा उठाती है और उसे वहीं पर छोड़कर डरकर फिर से एक बार भाग जाती है। घर जाने पर वो काफी ज्यादा परेशान होती है, तो उसकी मॉम सोचती है कि शायद ये सब कुछ इंटरव्यू की वजह से ही हो रहा होगा। लेकिन नैन्सी को नींद ही नहीं आ रही होती है, वो फटाक से उठकर अपने नॉवेल से वुडी के कैरेक्टर को ये सोचकर डिलीट मार देती है कि हो सकता है कि इससे वुडी रियल लाइफ में भी डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद वो आराम से सो जाती है, लेकिन जैसे ही वो सुबह उठती है देखती है वो तो फर्श पर सो रही होती है। वो बहुत ज्यादा शॉक तो तब हो जाती है जब देखती है कि उसके बेड पे कोई और नहीं बल्कि वुडी सो रहा होता है। वो धीरे धीरे चुपके चुपके से वहां से जा रही होती है उससे बच के, लेकिन तभी वुडी उठ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है, लेकिन फिर वुडी उसे चुप कराते हुए कहता है कि जो कांड तुमने किया है तुम चाहती हो कि ये तुम्हारी मॉम को भी पता चल जाए। ये सुनने के बाद बेचारी हमारी हीरोइन तो चुपी हो जाती है। वुडी कहता है कि अब जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुम्हारे पास ही सोऊंगा, क्योंकि जब भी तुम ड्रीम देखोगी तो हो सकता है कि मैं वापस से अपनी दुनिया में वापस चला जाऊं। जहाँ पर तभी उसकी मॉम आ जाती है, वो रूम में आ रही होती है, लेकिन वो बुडी को पीछे छुपाकर अपनी मॉम को अंदर आने नहीं देती है। उसकी मॉम कहती है कि आज रात वो बाहर ही रहेंगी और घर नहीं आएंगी। वुडी को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और इसलिए फिर नैन्सी उसे खाना दे दिए और वो एकदम राजा महाराजाओं के स्टाइल में बैठकर खा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर नैन्सी मन ही मन सोच रही होती है, ये तो कितना सारा खा रहा है और ये तो मुझे बहुत ही जल्द भिकारन बना देगा। लेकिन वो शायद ये भूल जाती है कि उसने अपने नॉवेल के करेक्टर में ये पावर भी डाली थी कि वो लोगों के मन की बातों को सुन सकता है। जहाँ पर होता भी कुछ ऐसे ही है, क्योंकि नैन्सी के मन की सारी बातें वुडी सुन लेता है। जहाँ वो उसे कहता है कि लो बचाओ खाना, तुम खा लो, मैं अब नहाना चाहता हूँ तो मेरे नहाने का सारा सामान लेकर आओ। वुडी जब नहा रहा होता है तो नैन्सी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो इसलिए तुम नहीं जा सकती हो। नैन्सी को कुछ समझ नहीं आता तो वो ब्लाइंड फोल्ड करके वहीं पे खड़ी हो जाती है। जहाँ पर फिर वुडी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम हूँ और अगर तुमने मुझे ऐसे देख लिया तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। नैन्सी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वो अपने ब्लाइंड फोल्ड हटाती है तो वो देखती है कि वुडी तो नहा के एकदम रेडी हो चुका था। नैन्सी का पैर स्लिप होता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन तभी वुडी उसे बचा लेता है। नैन्सी उसे थैंक यू बोलती है, ये सुनके वो उसे छोड़ देता है और बहुत ही क्यूट सी स्माइल करके वहां से निकल जाता है। फिर वो नैन्सी से कहता है कि मुझे 21 सेंचुरी के बारे में सब कुछ सीखना है और ये सब कुछ मुझे तुम सिखाओगी। साथ ही वो टीवी भी देख रहा होता है जिसमें एक बंदे को ड्रेसिंग सेंस को देखकर वो कहता है कि मुझे भी अपना ड्रेसिंग सेंस अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब लोग मुझे देखकर मुझे नमूना समझ के मेरे साथ सेल्फीज खिंचवाने लग जाते हैं। फिर वो उसे ड्रेस मांगता है, लेकिन नैन्सी कहती है कि उसके पास तो मेंस की कोई ड्रेस नहीं है। जहाँ पर वो तभी उसके भाई और उसके फादर की वो फोटो देखता है, जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि नैन्सी के फादर और उसके भाई की अब डेथ हो चुकी है और वो उसके साथ में नहीं है। जहाँ पर पहले तो वो थोड़ा सा सेंटी हो जाता है, लेकिन नैन्सी ने तो उसके करेक्टर में लव और इमोशंस तो डाले ही नहीं थे। फिर वो कहता है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे बस लड़कों के कपड़े चाहिए। नैन्सी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था तो इसलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी कि सारा को बोलती है, जो कि अपने छोटे भाई के कपड़े उसके लिए ले आती है। सारा को यहाँ पर शक होता है कि नैन्सी को ये कपड़े क्यों चाहिए, जिसका साफ मतलब यही है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड बन गया है और उसने उसे अपने घर में छुपा कर रखा है, वो देखने जा रही होती है। लेकिन नैन्सी उसे रोक देती है और उसे अंदर नहीं जाने देती। वहीं दूसरी तरफ वुडी पूरी तरह से रेडी हो गया था, क्योंकि उसने सीजर से अपने बाल भी काट लिए थे, क्योंकि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था और वो पूरा रेडी होकर बाहर आता है। लेकिन वो स्कूल बॉय की ड्रेस में था और उसे देखकर तो नैन्सी बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाती है। वुडी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं कोई और लेना चाहता हूँ।
लेकिन नैन्सी कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा सकूं। फूटी फिर उसे बहुत ज्यादा झगड़ा करने लग जाता है। दोनों के बीच में क्यूट सी छोटी मोटी सी फाइट हो जाती है, जहाँ पर तभी नैन्सी को कॉल आती है पुलिस स्टेशन से, क्योंकि जिस गुंडे को उसने पकड़ा था वो लोग उसकी पहचान करने के लिए नैन्सी को बुला रहे थे। फिर जैसे ही नैन्सी पुलिस स्टेशन में जाती है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ की पुलिस के साथ में उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि उसने बहुत सारे गुंडों को पकड़वाया था। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि नैन्सी एक धाकड़ लड़की है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुडी के हाथ में एक बैग था और वो वहां से निकलकर सीधा मॉल में जाता है, बहुत सारे कपड़े खरीद रहा होता है। जहां पर जाते हुए सारा उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। मॉल में बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद फिर वुडी उन सबको पैसे देता है। जहाँ पर उस पैसे से भरे वो बैग को देखकर सबकी तो आंखें चौंधिया जाती हैं। वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि इतना सारा पैसा उसके पास कैसे आ गया। वुडी भी मन में सोच रहा होता है कि भले ही वो एंशिएंट टाइम से आया हो या फिर ये लोग मॉडर्न जमाने के हों, लेकिन पैसा तो पैसा ही होता है जिसके पीछे हर कोई भागता है और ये सोच कभी भी बदली नहीं जा सकती। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि नैन्सी को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जहाँ पर वही चोर घूम रहा होता है जिसको नैन्सी पुलिस से पकड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भाग गया था। और वो चोर फिर वहाँ पर अपने लोगों के साथ में आता है। वो सब लोग मिलकर नैन्सी पर हमला करते हैं, लेकिन नैन्सी बहुत ही स्टाइल में उन सबको मार रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर आग लग जाती है जिससे कि नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो वहीं पर छुप कर बैठ जाती है, जहाँ वो हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाती है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं, वही दूसरी तरफ मॉल में वुडी को उसकी आवाजें सुनाई देती हैं। वो फटाक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर नैन्सी के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है और उन गुंडों की बहुत ही अच्छे से धुलाई कर देता है। फिर वो नैन्सी के पास जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। नैन्सी भी उसे देखकर सोच रही होती है कि जैसा हीरो वो अपनी लाइफ में चाहती थी, वुडी बिल्कुल वैसा ही कर रहा है। वुडी फिर वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर फिर पुलिस आ जाती है, जो कि सारे गुंडों को अरेस्ट करके ले जाती है। और फिर वो लोग पुलिस स्टेशन में नैन्सी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि नैन्सी की वजह से ही उन्होंने इतने सारे गुंडों को जो पकड़ लिया था। साथ ही वो उसे पूछते हैं कि जिस बंदी ने तुम्हारी जान बचाई वो कौन था, लेकिन यहाँ पर हमारी हीरोइन उनको बता देती है कि वो उसे नहीं जानती है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि तो ठीक है, वो उस बंदे को भी ढूंढ लेगा, लेकिन नैन्सी कहती है कि आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी का आइडल यानी कि चैंग वहाँ पर एक गिफ्ट पैक कर रहा होता है, क्योंकि आज उसकी दोस्त यानी कि जोई का बर्थडे जो था। जैसे ही वो रेस्टोरेंट में पहुँचता है, देखता है कि जोई तो ऑलरेडी किसी बंदे के साथ में है, और जोई फिर उसको बताती है कि ये तो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सुनने के बाद तो चैंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि चैंग जोई को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। जहाँ पर चैंग देखता है कि जोई का बॉयफ्रेंड भी उसे वही सेम लॉकेट दे रहा है जैसा कि उसने जोई के बर्थडे के लिए लिया था, और ये सब कुछ देखकर फिर वो वहाँ से अपसेट होकर चला जाता है। नैन्सी जैसे ही अपने घर पहुँचती है तो उसके पास चाबियाँ नहीं थी, जहाँ पर वुडी गेट खोलता है, क्योंकि ये चाबियाँ तो हमारे हीरो के पास थी, जो कि उसने नैन्सी से ले ली थी। फिर नैन्सी उसे बोलती है कि तुमने मुझसे चाबियाँ क्यों ले ली, जहाँ पर वुडी उसे कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि जब तक तुम नहीं आती तो क्या मैं बाहर खड़ा होकर तुम्हारा वेट कर रहा होता। ये बोलकर वो मुंह बनाकर अंदर चला जाता है। नैन्सी उसे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। वुडी उसे कहता है कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और ये छोटे मोटे गुंडों से तो मैं 2 मिनट में ही निपट लेता हूँ। नैन्सी भी सोच रही होती है कि हाँ, मैंने तो इसके करेक्टर में यही डाला था कि ये बहुत ही अच्छा फाइटर है। लेकिन हमारा हीरो तो नैन्सी से इसलिए नाराज था क्योंकि जब भी उसका मन करता है वो मुंह उठा के उस हेल्प हेल्प बोलकर बुला लेती है। नैन्सी से कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो क्योंकि मेरी भी अपनी लाइफ है और मैं सिर्फ तुम्हारा बॉडीगार्ड बनके तो यहाँ पर नहीं घूम सकता। साथ ही वो कहता है कि आज तो मेरे पैसे खोते खोते बच गए। नैन्सी देखती है कि बैग में बहुत सारे पैसे हैं, तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई बैंक लूटा है या फिर कोई मर्डर किया है, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आखिरकार आया कैसे। जहाँ पर वुडी उसे बताता है कि मैंने अपना पुराना पेंडेंट बेच दिया था जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी और इसलिए मेरे पास इतना सारा पैसा है। लेकिन नैन्सी उससे पूछती है कि मैंने तो तुम्हें हेल्प के लिए नहीं बुलाया। जहाँ पर वो बताता है कि जब भी तुम्हें हेल्प की जरूरत होती है तो मैं वहाँ पर हमेशा पहुँच जाता हूँ, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम्हें एक हीरो की जरूरत है, जो कि शायद तुम्हारे लिए मैं हूँ। ये सुन के तो नैन्सी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अच्छी बात है, अब तो मुझे फ्यूचर में कोई कभी प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। लेकिन फिर वुडी उसे कहता है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि उसने उसकी मन की बातें सुन ली थी। और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे बार बार प्रॉब्लम में पड़ने वाली लड़की के साथ में फ्यूचर तक तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर सोने के लिए चला जाता है। वो सोने के लिए नैन्सी के रूम में जा रहा होता है, लेकिन नैन्सी फिर उसे रोक कर अपने फादर और अपने भाई का रूम उसे देती है और कहती है कि प्लीज ये बात मेरी मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैं एक लड़की के साथ में हूँ।
जहाँ पर वुडी उसे कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मॉम अगर मुझे तुम्हारे साथ में देखेंगी तो वो तो और भी खुश हो जाएंगी, क्योंकि मैं इतना हैंडसम जो हूँ मैं उन्हें बहुत ही पसंद आऊंगा। लेकिन नैन्सी कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना। वुडी फिर उससे कहता है कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए, लेकिन नैन्सी के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए वुडी उसे बहुत सारे पैसों की गड्डी देता है और उसे फोन लाने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो देखता है कि उसके पास में फोन रखा हुआ था, लेकिन इसका बैक कवर तो बिल्कुल लड़कियों वाला था, काफी सारे स्टिकर चिपके हुए थे जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता, सारे निगाह निकाल कर फेंक देता है। नैन्सी भी रेडी होकर अपनी ऑफिस जा रही होती, लेकिन उससे पहले वो वुडी के रूम में जाती है, लेकिन वुडी उसे उठाकर बाहर फेंक देता है और बोलता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी मुझे आकर डिस्टर्ब करे। फिर नैन्सी अपनी ऑफिस में जाती है, आज उसका पहला दिन था, वहाँ वो सबसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, सब लोग काफी खुश हो रहे थे। जहाँ पर फिर जोई आ जाती है जो कि उसी कंपनी की सीईओ थी। जोई नैन्सी से बात करती है और उसे बताती है कि उसने ही उसे इस कंपनी में जॉब दी है, वो अभी ग्रेजुएट नहीं है और पूरी तरह से इस जॉब के लिए क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन फिर भी जोई ने उसे इस जॉब पर इसलिए रखा क्योंकि उसे लगता है कि नैन्सी इस जॉब को बहुत ही अच्छी तरह से कर लेगी। साथ ही वो उसे बताती है कि चैंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो तुम्हें ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे कि चैंग तुम्हें निकाल दे, क्योंकि चैंग का कोई भी पर्सनल असिस्टेंट ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, यानी कि टेम्पररी से परमानेंट होने के लिए नैन्सी को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नैन्सी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, तो वो सारा को कॉल करती है और सारा उसे कंसोल करने की कोशिश करती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ वुडी भी फोन यूज करना सीख रहा होता है, उसे काफी भूख लगी होती है तो इसलिए उसने भी खाना ऑर्डर किया होता है। नैन्सी भी कैंटीन में आती है, वो खाना ऑर्डर कर लेती है, लेकिन वो तो अकेली थी और उसके साथ में कोई नहीं था। जहाँ पर तभी उसकी नजर पड़ती है सामने वाली टेबल पर, और वहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था जो कि प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हुए एक दूसरे का फेस क्लीन कर रहे थे। नैन्सी यहाँ पर सोचती है कि काश उसके साथ भी कोई होता जो कि ऐसे ही उसका प्यार से फेस क्लीन कर रहा होता और मेरा खाने में हेल्प कर रहा होता। वो बार बार हेल्प बोल ही रही होती है तो ये आवाजें वहीं दूसरी तरफ वुडी को सुनाई देती हैं और वो टेलीपोर्ट होकर नैन्सी के सामने वाली चेयर पे आके बैठ जाता है। नैन्सी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वुडी उसे कहता है कि अब तो सच में हद हो गई है यार, यानी कि तुम्हें फेस क्लीन करवाने के लिए भी कोई चाहिए अपने साथ में। अब उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, जहाँ नैन्सी भी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है और मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं था, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वुडी भी वहाँ से उठकर जाने लग जाता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है क्योंकि कुछ न कुछ तो ऐसा था जो कि उसे रोक रहा था। जहाँ उसे समझ में आता है कि जब तक वो इस टास्क को पूरा नहीं कर लेगा जो कि नैन्सी ने उसके लिए मांगा था, तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकता, और वो गुस्से में जाता है, नैन्सी का मुंह पकड़ता है, नैपकिन से उसका माउथ क्लीन करता है। ये सब कुछ वहाँ बैठे लोग भी देख रहे थे जो कि काफी ज्यादा शॉक हो रहे थे। फिर उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। घर जाते वक्त वो बस में होती है और तभी उसका सर टकरा जाता है, जहाँ वो बोलती है कि काश कोई होता जो कि उसकी हेल्प करता और उसका सर लगने से बचा लेता, और वो उसके कंधे पर सर रख के थोड़ी देर रेस्ट कर रही होती, जहाँ पर तभी बूढ़ी पहुँच जाता है। नैन्सी तो ये सब कुछ देख कर डर जाती है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसका बूढ़ी से गंदा वाला झगड़ा हुआ था, जहाँ वो बोलती है कि यार मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, और वो उसे सॉरी बोल रही होती है। साथ ही वो कहती है कि अब दोबारा से वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। लेकिन वही हमारा हीरो शांति से आता है, वहाँ पर बैठ कर उसका हेड अपने शोल्डर पर रख कर प्यार से सहलाने लग जाता है, और ये सब कुछ वहाँ बैठे बस में लोग भी देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो नैन्सी को लेकर सीधा पहुंच जाता है फेरी फाउंटेन पे, और नैन्सी उसे पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वुडी उसे बताता है कि मैं समझ गया हूँ कि जब भी तुम मुझे बुलाती हो तो मैं ट्रांसपोर्ट होकर तुम्हारे पास क्यों पहुंच जाता हूँ और इन सब के पीछे का मकसद क्या है। नैन्सी उससे पूछती कि तुम क्या कहना चाहते हो, और वुडी उसे बताता है कि जब तुमने मुझे फर्स्ट टाइम बुलाया था तब तुम बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट सिचुएशन में थी, और सेकंड टाइम जब तुमने मुझे बुलाया तो तुम डेंजर में थी, और थर्ड टाइम जब तुमने मुझे बुलाया तो तुम चाहती थी कि कोई तुमको आकर प्यार करे और तुम्हारे साथ में प्यार से रहे, जिसका साफ मतलब यही है कि तुम्हें कोई और नहीं बल्कि एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए। तो अब तुम मुझे यहाँ पर ये बताओ कि तुमने उस दिन कौन सी विश मांगी थी जो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन नैन्सी तो यहाँ पर कुछ भी ना समझने का नाटक करने लग जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वुडी उसे पकड़ लेता है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे डांटने लग जाता है, जहाँ पर फाइनली नैन्सी उसे बता देती है कि उसने कौन सी विश मांगी थी। वो कहती है कि मैंने विश में मांगा था कि मुझे मेरा अनफॉर्गेटेबल लव मिल जाए। नैन्सी की इस विश को सुनकर तो वुडी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि इतनी सिली सी विश कौन मांगता है और तुम बिल्कुल ही पागल हो। नैन्सी कहती है मैंने तो नॉर्मल से विश मांगी थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि फेरी गॉड पास्ट से यहाँ पर तुम्हें भेज देंगे मेरा अनफॉर्गेटेबल लव बनाकर।
वुडी को यहाँ पे काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो उसे बहुत डांटने लग जाता है और वो उसे कहता है कि आज तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पर हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर कब तक रहना पड़ेगा और मैं वापस से अपने घर जा पाऊंगा या फिर नहीं। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लग जाता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। घर जाकर वो अपना सारा सामान पैक करने लग जाता है, लेकिन तभी वो टेबल पर देखता है कि एक पेपर रखा हुआ था, जिसे खोलते ही वो देखता है कि ये तो नैन्सी ने उसके लिए रखा था और उसमें लिखा था कि 21st सेंचुरी में सर्वाइव कैसे करना है, वहाँ के सारे रूल क्या हैं, जैसे कि रेड लाइट होने पर रोड क्रॉस नहीं करनी है और किसी का भी सामान बिना पूछे नहीं उठाना है। ये सब कुछ देखकर उसे थोड़ी खुशी तो होती है, लेकिन उसे गुस्सा यहाँ पे कुछ ज्यादा ही आ रहा था, तो इसलिए वो उसका चिट डस्टबिन में फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी को हम देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है, काफी दुखी होती है क्योंकि उसकी लड़ाई जो हो गई थी वुडी के साथ में, जहाँ पर बहुत सारा पानी गिर रहा होता है और उसके पास में अम्ब्रेला भी नहीं था। वो सोचती तो है कि वो किसी को हेल्प के लिए बुलाए, लेकिन फिर उसे याद आता है कि अगर उसने हेल्प वर्ड का यूज भी किया तो वहाँ पर सीधा वुडी पहुँच जाएगा और इस बार वो उसे मार ही डालेगा, तो इसलिए बेचारी हमारी हीरोइन बारिश में ही जाने लग जाती। लेकिन तभी वुडी वहाँ पर अम्ब्रेला लेकर पहुँच जाता है। नैन्सी डर जाती है और बोलती है कि इस बार तो मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं, फिर तुम क्यों आ गए। फिर वुडी उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारा अनफॉर्गेटेबल लव चाहिए था ना, वो मैं तुम्हें दूंगा। नैन्सी ये सब कुछ सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने अभी तक अपनी मॉम को नहीं बताया और हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है। मेरी जॉब लग चुकी है और तुम्हारे पास तो जॉब भी नहीं है, साथ ही तुम्हारे पास 21st सेंचुरी की आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, तो हम अपने बच्चों का नाम कैसे रख पाएंगे। वुडी स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारे साथ बच्चे कौन करना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढ कर लेकर आऊंगा। नैन्सी कहती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर वुडी उससे कहता है कि तुम जानते हो कि तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है और अब यही मेरा टास्क, क्योंकि जब तक मैं इस टास्क को कम्प्लीट नहीं कर लेता मैं अपने घर वापस नहीं जा सकता। ये सब कुछ सुनने के बाद हमारी हीरोइन को हीरो की बात माननी पड़ जाती है। फिर जैसे ही वो लोग घर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उनकी मॉम होती है। नैन्सी अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर उसकी मॉम तो उसको सरप्राइज करने के लिए आई हुई थी, लेकिन उन दोनों को देखकर तो वो खुद ही सरप्राइज हो जाती है। नैन्सी उनसे वुडी को इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकती थी क्योंकि नैन्सी की मॉम नैन्सी के नॉवल वाले उस वुडी कैरेक्टर को तो बहुत अच्छे से जानती थी, तो इसलिए उन्हें शक हो जाएगा। तो इसलिए नैन्सी उनसे झूठ बोलती है, जहाँ वो कहती है कि ये सारा का एक कजन है जो कि फॉरेन से आया हुआ है और इसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था, तो इसलिए ये हमारे फ्लैट में ही रह रहा है। नैन्सी की मॉम फिर उसे खाने पे बुला लेती है, लेकिन नैन्सी जानती थी कि उसकी मॉम बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती है, तो इसलिए वो वुडी को पहले ही वार्न करके भेजती है। लेकिन वुडी तो एकदम मस्त तरीके से खाना खा रहा होता है, उसने बहुत सारा खाना खा लिया होता है। जहाँ पर नैन्सी की मॉम फिर खाने के बारे में पूछती है तो वुडी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा होता है, जिससे कि उसकी मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम काम क्या करते हो। वुडी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, तो वो बोलता है मैं लोगों को उनके थ्रू लव से मिलाने में उनकी हेल्प करता हूँ। जहाँ उसकी मॉम बोलती है अच्छा तो तुम डेटिंग कंसल्टेंट हो, तो वो बोलता है हाँ। फिर रात के टाइम जब नैन्सी अपना काम कर रही होती है तो उसकी मॉम उसके पास आके बोलती है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत गंदा खाना बनाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरी काफी तारीफ की, बहुत ज्यादा हैंडसम भी है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इसे डेट जरूर करना चाहिए। लेकिन नैन्सी कहती है कि मॉम मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं उसे डेट नहीं करना चाहती। फिर वो वुडी से मिलती है और वुडी उसे बोलता है कि कल तुम रेडी रहना क्योंकि हम सोशलिज्म करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलेंगे और मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड ढूंढूंगा। जहाँ पर नैन्सी भी बोलती है कि मेरे पीछे तो ऑलरेडी बहुत सारे लड़के पड़े हुए हैं और अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो कल मेरे कॉलेज चलना और खुद ही देख लेना। नेक्स्ट डे वो अपने कॉलेज जाती है वुडी को साथ में लेकर, जहाँ वुडी देखता है कि वो सारे लड़कों को और अपने दोस्तों को वहाँ पर खाना बांट रही होती है। वो समझ आता है कि ये लड़के कितनी ज्यादा पागल हैं, जब ऐसे कोई फ्री में खाना बांटेगा तो लोग तो उसके पीछे पड़ेंगे ही ना। सारा वहाँ पर वुडी को देखती है, वो उसे जाकर मिलती है और फिर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वुडी को ये पता चलता है कि नैन्सी का एक बॉयफ्रेंड था लेकिन वो उसे चीट करके भाग गया था और उसके बाद से नैन्सी ने कभी कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं बनाया। सारा को ऐसा लग रहा था कि वुडी और नैन्सी का चक्कर चल रहा है, तो इसलिए वो उसे बोलती है कि तुम लोग के रास्ते में कोई नहीं आ सकता क्योंकि तुम लोग की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी है। वापस जाते टाइम नैन्सी वुडी को बोलती है कि तुम्हारे कहने पे मैंने सोशलिज्म किया लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं आया, मुझे लगता है कि उन सब में से ज्यादा हैंडसम तो तुम ही हो, और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। वुडी भी उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराने लग जाता है। नैन्सी फिर अपने ऑफिस में जाती है, वो अपना डेस्क सही कर रही होती है जहाँ पर तभी अचानक से चैंग आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। उसके हाथों में फ्लावर्स होते हैं और ये सब कुछ उसका ऑफिस का स्टाफ भी देख रहा होता है और वो तो काफी ज्यादा डर रही होती है और यही सोच रहे होते हैं कि अब तो नैन्सी की खैर नहीं, क्योंकि उनका बॉस चैंग बहुत ही ज्यादा खड़ूस जो था।
और जैसे ही चैन को पता चलता है कि नैन्सी ही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, वो फटाक से जाकर जोई से मिलता है और जोई से बात करता है, जहाँ वो उसे कहता है कि मुझे पर्सनल सेक्रेटरी की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा काम तो मेरा तुम ही देखती हो। लेकिन जोई कहती है कि मैं अब शादी करने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अब तुम्हारा ध्यान और नहीं रख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल असिस्टेंट रखी है जो कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छे से कर देगी। फिर चैंग जाकर नैन्सी से मिलता है और नैन्सी वहाँ पर बहुत ही फ्रैंकली उससे बात कर रही होती है, जैसे कि वो कोई उसका दोस्त हो। नैन्सी को ऐसे लोगों से फ्रैंकली बात करना हुडी ने ही सिखाया था, ताकि वो लोगों से अच्छे से घुल मिल सके और जल्दी उसका एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड बन जाए। जहाँ पर ये सब कुछ देखकर उसके सारा ऑफिस स्टाफ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। वो लोग तो ये सोचते हैं कि अब तो चैंग इसको बाहर निकाल ही देगा, लेकिन चैंग वहाँ से मुस्कुराते हुए उसे ये बोलकर निकल जाता है कि तुम अपना काम ध्यान से और अच्छे से करना। वो जैसे ही अपने घर जाती है, वो अपने रूम में जा रही होती है, लेकिन वुडी उसे पीछे से पकड़ के ले जाता है और उससे पूछता है कि आज तुमने क्या क्या किया, मुझे सारी खबर चाहिए। जहाँ पर नैन्सी से सब कुछ बता रही होती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से आज तो मैं ऑफिस में बॉस के सामने मरने ही वाली थी। वुडी उसे चेकआउट कर रहा होता है तो नैन्सी से कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। वुडी कहता है कि मैं तुम्हें नहीं घूर रहा, बल्कि तुम्हारी ड्रेस देख रहा हूँ कि कितनी ज्यादा गंदी है, और अगर ऐसे ही झल्ली बनकर जाओगी तो कौन तुम्हें पसंद करेगा। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि नैन्सी फिर से ऑफिस जा रही होती है, लेकिन ऑफिस जाने से पहले वो वुडी से मिलने के लिए चाहती है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं होता, उसका फोन रखा होता है, तो नैन्सी उसे चेक करने लग जाती है। तभी अचानक से वुडी आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी मेरा सामान बिना पूछे यूज कर ले। नैन्सी उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से जाने लग जाती है। फिर जैसे ही वो अपने ऑफिस में पहुँचती है तो देखती है कि सारा स्टाफ उसे बहुत ही खुश था, क्योंकि कल जिस तरह से उसने अपने बॉस से बात की थी, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वहाँ पर उसे बहुत सारा काम होता है, तो इसलिए उस स्टोर रूम में जाकर काम करने लग जाती है। जहाँ पर तभी उसके स्टाफ की एक लड़की उसको आके बताती है कि तुम्हारा नेबर तुमसे मिलने के लिए आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। कि नैन्सी को ये पता चलता है कि उसका नेबर यानी कि बुढ़ी उससे मिलने के लिए आया है, वो फटाक से भाग कर उसके पास जाती है। फिर बुढ़ी उसको मॉल में लेकर जाता है, जहाँ पे काफी सारा मॉल का स्टाफ खड़ा हुआ था। नैन्सी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उसे पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। जहाँ पर वुडी उसे कहता है कि हम तुम्हारा गेटअप पूरी तरह से चेंज करने वाले हैं। ये सुनते ही नैन्सी वहाँ से भागने लग जाती, लेकिन वुडी उसे पकड़ लेता है और स्टाफ के साथ में उसे अंदर भेज देता है। नैन्सी ड्रेस चेंज कर करके देख रही होती है, उसे बहुत शर्म आ रही होती है, वो बाहर नहीं आ रही होती है, तो वुडी उसके पास आता है और उसको बोलता है कि ड्रामे करना बंद करो और जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है कि तुम कैसी लग रही हो। फिर जैसे मिरर के सामने नैन्सी जाती है, वो काफी ज्यादा नर्वस फील करने लग जाती है, लेकिन फिर वुडी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, तो अब डरना बंद करो। साथ ही वो कहता है कि अब हमें तुम्हारा हेयर स्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। नैन्सी की तो पूरी लुक ही चेंज हो गई थी, वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और ये देखकर वुडी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। फिर नैन्सी उसे पूछते है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वुडी उसे बोलता है कि हम डेट पर जा रहे हैं। जैसे ही नैन्सी वहाँ पर जाती है, वो तो शौकी हो जाती है, क्योंकि वुडी ने बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों को नैन्सी के लिए डेट के लिए बुलाया था, जैसे कि वो तो उसका स्वयंवर ही करवा रहा हो। लेकिन नैन्सी उसे बोलती है कि मैं इस ब्लाइंड डेट को अटेंड नहीं करने वाली हूँ, ये कहकर वो वहाँ से भाग रही होती है। लेकिन तभी वुडी उसे रोकते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर तुम्हारी मॉम को जाकर सब कुछ सच सच बता दूंगा। वुडी की फिर इस धमकी के बाद हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वुडी के लाए हुए नमूनों से जाकर मिलने लग जाती है, जहाँ पर सब उससे अलग अलग तरह से पटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमारी हीरोइन को तो कोई पसंद ही नहीं आता, क्योंकि उनमें से कोई मोटा था, कोई बहुत ज्यादा भुक्कड़ था बस खाया जा रहा था, और कोई तो उससे बहुत ही ज्यादा एज में भी बड़ा था। नैन्सी वहाँ पर उन सबके बीच में बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, लेकिन तभी फिर उसे कॉल आता है जोई का, जो कि उसे बोलती है कि तुम्हें जाकर बॉस के घर से कुछ पेपर्स लेकर आने हैं। लेकिन ये काम तो चैन ने जोई को दिया था, लेकिन जोई अभी थोड़ा बिजी थी और इसलिए ये काम उसने दे दिया था हमारी हीरोइन को। नैन्सी भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि फाइनली उसे यहाँ से भागने का एक मौका जो मिल गया था। वो फटाफट से वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन वुडी उसे जाकर रोकता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो। नैन्सी उसे बताती है कि फाइनली उसके बॉस ने उसे पहला टास्क दिया है जो कि उसे कंप्लीट करना है, सो इसलिए उसका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पर वुडी उसे रोक रहा होता है, कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये ब्लाइंड डेट बहुत ही मुश्किल से अरेंज की और तुम उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हो। लेकिन नैन्सी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से फटाफट से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वो सीधा अपने बॉस के घर जाती है और काफी खुश भी हो रही होती है, क्योंकि वो अपने आइडल के घर पर जाने वाली उसकी पहली फैन थी। वो फाइल उठाकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बॉस के रूम में जाती है, तो उसे बाथरूम में कोई बेहोश मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वुडी को उसकी आवाज़ें सुनाई देती है और वो फटाक से टेलीपोर्ट होकर
नैन्सी के पास में पहुंच जाता है और वह उससे पूछता है कि अब क्या हुआ, तुमने मुझे अब क्यों बुलाया। जहाँ पर नैन्सी कहती है देखो वहाँ पर बाथरूम में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। वुडी जाकर उसे चेक करता है तो नैन्सी से पूछती है कि क्या वो जिंदा है, और वो भी वहाँ पर देखने के लिए जा रही होती है, लेकिन वुडी तभी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें उसे इस हालत में नहीं देखना चाहिए, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैन होता है। फिर वो लोग उसे उठाकर रूम में लिटा देते हैं और उसका ध्यान रखने लग जाते हैं। लेकिन नैन्सी यहाँ पर डर जाती है क्योंकि चैन को होश नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए वुडी फिर अपनी सुपर पावर का यूज करता है जिससे कि चैन को होश आ जाता है। वो नैन्सी से पूछता है कि ये कौन है और तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उसे बताती है कि उसे जोई ने यहाँ पर कुछ फाइल्स लेने के लिए भेजा था। वुडी फिर उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आता है, लेकिन वो यहाँ पर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि नैन्सी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही होती है। चैंग के सामने वो सही से बात भी नहीं कर पा रही होती है, यहाँ तक कि वो सही से चल भी नहीं पा रही होती है। फिर चैंग उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो वुडी उससे पूछता है कि क्या तुम अपने बॉस को लाइक करती हो, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर तो उसके सामने एकदम चेंज होता है और बाकी सबके सामने बहुत ही अलग होता है। नैन्सी उसे कहती है हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, वो मेरे बॉस होने के साथ साथ मेरा नॉवल आइडल भी रह चुका है और मैंने उसकी सारी नॉवेल्स पढ़ रखी है। वुडी कहता है कि तुम पूरी तरह से बुद्धू हो, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने बॉस को डेट करना चाहोगी। लेकिन नैन्सी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उसे लेकर फिर घर जाने लग जाती है। घर के बाहर नैन्सी की मॉम उसको वुडी के साथ में देख लेती है। नैन्सी को इस तरह से ड्रेसअप किए हुए उन्होंने पहली बार देखा था, तो वो तो यही सोच रही थी कि शायद वुडी और नैन्सी का चक्कर चल रहा है। फिर रात के टाइम पे नैन्सी अपने रूम में थ्रेडिंग कर रही होती है, जहाँ पर वुडी उसे मैसेज करके बाहर बुलाता है। और जैसे ही नैन्सी बाहर जाती है तो वुडी उसे कहता है कि तुम्हारी नाक लाल क्यों है, इसका मतलब ये है कि तुम अपने बॉस को शायद पसंद करती हो और उसी को याद कर करके खुश हो रही होगी। लेकिन नैन्सी वहाँ पर उससे गुस्सा करके जा रही होती है, तो वुडी उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस की सारी नॉवेल्स पढ़नी है तो कल ले आना। फिर मॉर्निंग होते ही वो अपने बॉस की सारी नॉवेल लेकर जाती है वुडी के पास में। वुडी उनके बैठ के पढ़ रहा होता है, जहाँ पर नैन्सी उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, लेकिन वुडी उसे कहता है कि अब तुम जा सकती हो और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं ये सारी नॉवेल्स खुद से पढ़ सकता हूँ। नैन्सी उसे कहती है कि मैंने ये नॉवेल 10 बार पढ़ी है, तो इसलिए मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ। लेकिन वुडी उसकी बात नहीं सुनता है और उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो चैन के बारे में उसकी नॉवेल्स पढ़ के सारे की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और नैन्सी को बोलता है कि अब तुम्हें अपने बॉस को ही डेट करना पड़ेगा, और उसकी सारी छोटी छोटी चीजें वो उसको समझा देता है कि उसे क्या पसंद है और क्या उसे ना पसंद है, जिससे कि नैन्सी को ये पता चलता है कि नैन्सी और उसके आइडल यानी कि चैन के बीच में तो कोई कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और नैन्सी की मॉम आकर वुडी से मिलती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर नैन्सी की मॉम उसे कहती है कि शायद तुम्हारा और नैन्सी के बीच में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। साथ ही वो कहती है कि नैन्सी एक काइंड हार्टेड और बहुत ही प्यारी लड़की है। जब वो छोटी थी तो उसके घर में बहुत ही बुरी तरह से आग लग गई थी, जिसमें उसके फादर और उसके भाई की मौत हो गई थी, और उसके बाद से नैन्सी एकदम अकेली हो गई है, जहाँ पर वुडी भी समझ आता है। तो इसलिए जब नैन्सी उस दिन आग से डर रही थी, तो इसका यही मतलब है कि उसे फायर फोबिया है, और उसका कारण यही वाला इंसिडेंट है जिसमें उसने अपने फादर और अपने भाई को खो दिया है। नैन्सी की मॉम उसे बताती है कि वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो उसकी पड़ोसन थी, लेकिन नैन्सी के भाई और उसके फादर के जाने के बाद वो नैन्सी के साथ में रहने लग गई, क्योंकि नैन्सी बहुत ही प्यारी लड़की है और वो सबकी बहुत ज्यादा केयर करती है और सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। साथ ही वो कहती है कि नैन्सी ने आज तक अपने फादर और अपने भाई का फ्लैट किसी को भी रेंट पे नहीं दिया है, लेकिन अगर उसने ये तुम्हें रेंट पे दिया है तो इसका मतलब यही है कि वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। वुडी बेड पर लेटा लेटा यही सोच रहा होता है जो कुछ भी नैन्सी की मॉम ने उसे कहा था, जहाँ वो सोचता है कि क्या सच में नैन्सी उसको लाइक करती है। वो बहुत ही ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसके बाद जब वो नैन्सी से जाकर मिलता है, तो वो उसे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारे बॉस को डेट करना होगा। लेकिन नैन्सी यहाँ पर मना कर रही होती है, तो वुडी उसे पूछता है कि इसका रीजन क्या है, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो। वो बार बार उसे तंग कर रहा होता है, तो इसलिए नैन्सी से छुटकारा पाने के लिए बोल देती है कि हाँ मैं किसी और को लाइक करती हूँ और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। वो उसके बहुत ज्यादा करीब जा रही होती है, जिससे कि वुडी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होने लग जाती है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। नैन्सी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो हंसने लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वुडी नैन्सी को उठाकर अपने रूम में ले आता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम सच में मुझे लाइक करती हो। साथ ही वो कहता है कि अगर ऐसा ही था तो ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, क्योंकि ना मैं तब तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करता और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारे बॉस को पटाने के लिए बोलता। लेकिन नैन्सी बोलती है अरे अरे ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं तो बस कल रात में तुम्हारे साथ में थोड़ा सा मजाक कर रही थी। नैन्सी वुडी की बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि उसने उसे उल्लू बनाया था और वो बन भी गया था, और इस बात की वो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है। लेकिन वुडी को गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर रूम के बाहर फेंक देता है।
रात के टाइम में जब उड़ी सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे नींद नहीं आ रही होती है, साथ ही वो ऐसा फील करता है कि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। उड़ी सोच रहा होता है कि वो इतना ज्यादा हैंडसम है तो फिर नैन्सी उसे पसंद क्यों नहीं कर सकती है। वो बात करने के लिए नैन्सी के रूम में जाता है जहाँ वो देखता है कि ये तो सो रही है और वो काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए वुडी का नाम अपने सपनों में ले रही होती है। वुडी यहाँ पर समझ जाता है कि इसका मतलब यही है कि अगर वो उसके सपनों में उसका नाम ले रही है तो वो वुडी को बहुत पसंद करती है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही नैन्सी अपने सपने में हंसते हुए बोलती है कि वुडी तुम अपना पैसा लो और अपने टाइम में वापस चले जाओ, जिसका मतलब ये है कि नैन्सी अपने सपनों में वुडी की उटपटांग हरकतों पर हंस रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वुडी जाकर नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड सारा से मिलता है और वो सारा को उसके फेवरेट फ्राइड चिकन की ट्रीट दे रहा होता है और साथ ही वो उसे पूछ रहा होता है कि नैन्सी प्यार में कब हो सकती है। जहाँ पर पहले तो वो उसे नहीं बता रही होती है, वुडी उसकी ट्रीट छीनने लग जाता है, यानी कि फ्राइड चिकन छीनने लग जाता है। लेकिन फिर फाइनली वो उसे बता दी है कि नैन्सी ने एक बार उसको बताया था कि वो प्यार में तब होगी जब वो किसी लड़के के साथ में बहुत ही ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाएगी। जब वो खुश होगा तो वो भी खुश हो जाएगी और जब वो दुखी होगा तो वो भी बहुत ही दुखी हो जाएगी। ये सब को सुनने के बाद वुडी वहाँ से उठता है और जाने लग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नैन्सी को न्यूज से ये पता चलता है कि चैन ने नोबेल के फेवरेट कैरेक्टर को, जो कि कोई और नहीं बल्कि जोई थी, तो उसने उसे उसमें मार दिया है। फैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे और नेगेटिव कमेंट करके अपना गुस्सा दिखा रहे होते हैं। नॉवल में वो मेन लीड कोई और नहीं जोई थी और इसलिए जोई बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। चैन ने बिना उसे बताए उसके कैरेक्टर को नॉवल में कैसे मार दिया। दोस्तों चैन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे पता चल गया था कि जोई का बॉयफ्रेंड है और अब वो शादी करने जा रहे हैं और चैन भी जोई को बहुत ज्यादा लाइक करता है, लेकिन ये बात उसने उसे आज तक नहीं बताई थी और इसलिए अब वो उससे धीरे धीरे दूर होना चाहता था और यही कारण है कि उसने अपनी नॉवल में जोई के कैरेक्टर को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी को ऑफिस से कॉल आती है क्योंकि आज ऑफिस में स्कैंडल हो गया था, इसलिए उन्होंने उसे आने के लिए मना किया था। नैन्सी भी काफी ज्यादा दुखी हो गई थी। जहाँ पर तभी वुडी आ जाता है। नैन्सी टीवी देख रही होती है तो वुडी भी टीवी का एक सीन देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जहाँ वो कहता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी और वो तब से बहुत ही ज्यादा अकेला है और उसका कोई भी दोस्त नहीं था, सब लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन नैन्सी यहाँ सोचती है कि मैंने इसके करेक्टर में तो ऐसा कुछ डाला ही नहीं था। बट वुडी को इतना ज्यादा इमोशनल देख के फिर वो उसे चुप कराने लग जाती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि वुडी तो सारी ड्रामेबाजी कर रहा था क्योंकि वो यहाँ पर नैन्सी को चेक कर रहा था कि वो उसके दुख में दुखी और उसकी खुशी में खुश होती है या फिर नहीं। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था ये सोचकर कि नैन्सी उसके दुख में दुखी हो रही है और इसका मतलब यही है कि उसके दिल में वुडी के लिए फीलिंग्स है और वो उसे लाइक करती है। फिर नैन्सी उसे कहती है कि तुम भी दुखी हो और मैं भी दुखी हूँ, लेकिन मेरे दुखी होने की वजह ये है कि मेरे बॉस यानी कि चैन ने अपने नॉवल के मेन कैरेक्टर को मार दिया है और इसलिए फैन उन्हें बहुत ही ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं और साथ ही वो उनसे नफरत भी करने लगे हैं। वुडी को ये सब सुन के गुस्सा आने लग जाता है और वो सोचता है कि अगर नैन्सी अपने बॉस के दुख में दुखी हो रही है तो इसका मतलब यही है कि वो अपने बॉस को प्यार करती है और उन्हें ही पसंद करती है। सीन शिफ्ट होता है और नैन्सी एक पार्सल लेकर अपने बॉस के रूम में रखने के लिए जाती है, जहाँ पर तभी चेन जोई के साथ में पहुंच जाता है और जोई उससे कह रही होती है कि तुमने नॉवल के मेन कैरेक्टर को यानी कि मुझे शायद इसलिए मार दिया है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल सेक्रेटरी रखी है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाती है कि उसने उसे इसलिए मारा है क्योंकि वो उसे प्यार करता है और जोई शादी करने जा रही है। जहाँ पर चेन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं इस नॉवल का राइटर हूँ, मैं जब चाहे किसी भी कैरेक्टर को मार सकता हूँ और जो चाहे वो लिख सकता हूँ। सुई गुस्सा होकर जा रही होती है, चैन भी अपने चेयर पर बैठने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर टकरा जाता है हमारी हीरोइन के पैर से और वो वहीं पर गिर जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि मैं तो बस पार्सल रखने के लिए आई थी, लेकिन फिर मैंने आपको और सुई को साथ में देखा तो मैं डर गई थी और इसलिए मैं छुप गई। जैसे ही चैन पार्सल ओपन करता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसमें तो लाल खून से भरा हुआ एक लाल कपड़ा रखा हुआ था जो कि उसके ही किसी फैन ने गुस्से में उसे भेजा था, लेकिन चैन इसको बहुत ही ज्यादा लाइट ले लेता है। बट यहाँ पर नैन्सी से कहती है कि हमें पुलिस में कम्प्लेन करनी चाहिए, बट चैन फिर वहाँ से उसे जाने के लिए कहता है। जैसे ही नैन्सी बाहर जाती है देखती है कि ऑफिस में तो फैंस ने बहुत ही हंगामा कर रखा है, पूरा धरना बोल रखा था। नैन्सी बहुत ज्यादा डर जाती है तो इसलिए वो फिर वुडी को कॉल करके उसे हेल्प के लिए बुलाती है, लेकिन वुडी उसे कहता है कि वो उसकी हेल्प के लिए नहीं आएगा, ये कह के वो फोन काट देता है। लेकिन हमारी हीरोइन जानती थी कि वुडी को लाइन पे कैसे आना है। फिर वो विश मांगने लग जाती है कि काश कोई यहाँ पर होता जो मेरी हेल्प कर पाता। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वुडी ट्रांसपोर्ट होकर सीधा नैन्सी के सामने पहुँच जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है उसके ऊपर। वो बोलता है कि ऐसे बाथरूम में कौन बुलाता है।
जहाँ पर तभी नैन्सी की एक स्टाफ मेंबर आ जाती है और वो कहती है कि हमें तुम्हारी बाहर जरूरत है, तो जल्दी आओ क्योंकि बॉस की जान को खतरा है। नैन्सी यहाँ पर डर के पुडी को अपनी गोद में उठा लेती है ताकि उसके पैर वो स्टाफ मेंबर ना देख पाए, वरना उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि वो एक लड़के के साथ में बाथरूम में थी। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नैन्सी और वुडी दोनों ऑफिस में छुपे हुए बैठे होते हैं, क्योंकि नैन्सी ने वहां पर एक ट्रैप बिछाया हुआ था उस फैन के खिलाफ, जिस फैन ने चैन को खून से लथपथ को कपड़ा दिया था और शायद वो अब उसे मारने के लिए भी यहां पर आ सकता है। यहां पर वुडी नैन्सी को कहता है कि जब तुम अपने बॉस को डेट नहीं करना चाहती, उसे पसंद नहीं करती, तो तुम उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। जहाँ पर नैन्सी कहती है कि मुझे उसकी नॉवल बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उन्हें बचपन से पढ़ती हुई आ रही हूँ, और जिस करेक्टर को उसने मारा है वो भी मेरी फेवरेट थी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे आइडल यानी कि चैंग की छोटी सी गलती की वजह से उसकी जान चली जाए। वो लोग बातें कर ही हो रहे होते हैं जहाँ पर तभी वो फैन आ जाता है और नैन्सी उसे पकड़ने के लिए चाहती है, लेकिन वो वहीं पर फिसल कर गिर जाती है, जिससे कि फिर वुडी उस फैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। और जब नैन्सी उठकर भाग रही होती है तो स्टेयर पे देखती है कि वुडी बहुत ही जख्मी हालत में पड़ा हुआ होता है। नैन्सी उसे कहती है कि तुम्हें चोट कैसे लगी, तुम तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए थे। साथ ही वो ये भी सोच रही होती है कि मैंने तो इसे अपनी नॉवेल के कैरेक्टर में बहुत ही अच्छा फाइटर बनाया था। लेकिन वुडी यहाँ पर कहता है कि ये सब मैं नहीं जानता कि कैसे हुआ, लेकिन अब मैं बस मरने ही चाह रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा लाइक करती हो। यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा सेंटी बातें कर रहा होता है, जिससे कि नैन्सी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। फिर धीरे धीरे वुडी की आंखें बंद होने लग जाती है, नैन्सी बहुत फुट फुट कर रो रही होती है, लेकिन फिर अचानक से हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। नैन्सी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो वहाँ से भाग जाती है। वुडी उसे सॉरी बोलता है, वो उसे मनाने के लिए जाता है, और साथ ही वो अपने मन मन में ये सोचकर खुश हो रहा था कि नैन्सी उसके लिए इतनी बुरी तरह से रो रही थी, इसका यही मतलब है कि नैन्सी उसे पसंद करती है। लेकिन नैन्सी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसे बात नहीं करना चाहती थी, और जैसे तैसे करके वुडी आखिरकार उसे मीठी मीठी बातें करके और इमोशनल ब्लैकमेल करके मना ही लेता है। साथ ही वो ये भी प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो ऐसा मजाक नैन्सी के साथ में कभी भी नहीं करेगा। सीन शिफ्ट होता है और जो यहाँ पर नैन्सी और चैन दोनों को डांट रही होती हैं, क्योंकि नैन्सी के इस प्लान को मंजूरी चैन ने दी थी। जो यहाँ पर कहती है कि तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसमें नैन्सी और उसके नेबर दोनों की जान को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता था। लेकिन वो फिर इस बात से भी खुश थी कि नैन्सी और वुडी ने दोनों ने मिलकर उस खूनी फैन को पकड़ लिया था जो कि चैन को वहाँ पर मारने के लिए आया था, और इसलिए जोई ने नैन्सी की इस बहादुरी को देखकर उसे चैन की नैन्सी को चैंग की टेम्पररी असिस्टेंट से परमानेंट पर्सनल असिस्टेंट बना दिया था। लेकिन चैंग तो ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन जोई उसकी कोई भी बात नहीं मानती है और वो उल्टा उसे डांटने लग जाती है, जहाँ चैंग भी उसे कहता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी और वो अपनी रिलेशनशिप को कुछ ज्यादा ही प्रायोरिटी दे रही थी, तो इसलिए चैंग उसे तंग नहीं करना चाहता था। वो बार बार जोई को उसके रिलेशनशिप का ताना मारकर ये एहसास जताने की कोशिश कर रहा था कि इससे उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन जोई को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम नैन्सी और वुडी को साथ में देखते हैं, जो कि अब घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर नैन्सी उसे सॉरी बोलती है कि क्योंकि उसके चक्कर में आज वुडी की जान को बहुत ही ज्यादा खतरा हो गया था। लेकिन वुडी उसे बोलता है कि ये तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, जिससे कि इसे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। साथ ही वुडी चैन और जोई के बारे में बात कर रहा था कि उनकी जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पर नैन्सी उसे बताती है कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और जोई का तो एक बॉयफ्रेंड भी है। लेकिन वुडी यहाँ पर समझ गया था कि दाल में कुछ तो काला है और उसे इसका पता लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट डे वो जैसे ही ऑफिस जाती है तो ऑफिस का स्टाफ उसे एक फाइल को लेकर बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है, जहाँ पर नैन्सी काफी सैड हो गई थी। लेकिन तभी मियो, जो कि ऑफिस का एक स्टाफ है और नैन्सी की वो काफी अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी थी, वो उससे कहती है कि हम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हैं कि बॉस ने तुम्हें परमानेंट जॉब पर रख लिया है। साथ ही वो सब लोग बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि वो सब उसके साथ में मजाक कर रहे थे। मियो उससे कहती है कि बॉस हमेशा 2 वीक से ज्यादा किसी भी स्टाफ को नहीं रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो उन्होंने परमानेंट कर दिया है, तो ऐसा कौन सा जादू किया है तुमने उनके ऊपर। जहाँ पर तभी चैंग आ जाता है और वो जोई के बारे में पूछता है, जहाँ पर सारा ऑफिस स्टाफ उन दोनों को ही देख रहा था। लेकिन यहाँ पर नैन्सी कहती है कि वो अभी तक ऑफिस नहीं आई है, तो फिर चैंग वहाँ से चला जाता है। नैन्सी अपने आईडी कार्ड को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि आखिरकार उसका सपना पूरा जो हो गया था।
लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर उस टाइम पे वुडी उसके साथ में उस दिन ना होता तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो पाता। साथ ही वो सोच रही होती है कि उसे उसका थैंक यू बोलना चाहिए, तो इसलिए वो मियो के पास में जाकर आज रात में होने वाली पार्टी जो कि ऑफिस स्टाफ ने उसके लिए रखी थी वो उसे पोस्टपोन करवाते हुए कहती है कि वो आज अपने एक स्पेशल फ्रेंड को ट्रीट देना चाहती है, तो इसलिए आज उनकी पार्टी में नहीं आ सकती है। जहाँ पर मियो भी उसकी बात को समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं जो कि जोई की बात से काफी ज्यादा अपसेट हो चुका था। जोई अब शादी करने जा रही थी और इसलिए जो बर्थडे गिफ्ट वो उसके बर्थडे पर लेकर आया था वो उसे रिटर्न करने की सोच रहा था। नैन्सी भी वुडी को कॉल करके उसे ऑफिस आने के लिए कहती है ताकि वो उसको पार्टी दे सके, लेकिन वुडी तो आने से साफ मना कर देता है। जहाँ पर नैन्सी उसे कहती है कि देख लो अगर तुम नहीं आए तो मेरे पास और भी तरीके हैं। नैन्सी का मतलब था कि अगर वो खुद से नहीं आया तो फिर वो उसे टेलीपोर्ट करवा के बुला लेगी, जैसा कि वो हेल्प हेल्प बोलकर हमेशा बुला लेती है। वुडी को नैन्सी की बात माननी पड़ती है और फिर नैन्सी लेकर जाती है उसे गेम खेलने के लिए, लेकिन वो तो अंदर जाने से मना कर रहा था तो नैन्सी उसे जबरदस्ती लेकर जाती है। वो साइड में ही बैठ जाता है और नैन्सी उसके सामने गेम खेलने लग जाती है। वुडी उसे चाइल्डिश कहता है कि तुम तो अभी छोटी बच्चे ही हो। नैन्सी भी फिर उसे कहती है कि हाँ इसमें तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि तुम तो वैसे भी पुराने जमाने के हो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें एंजॉय करवाने के लिए पहाड़ों पर लेकर जाना पड़ेगा, और ये बोलकर वो हंसने लग जाती है। फिर बूढ़ी उठता है और वो भी गेम खेलने लग जाता है क्योंकि वो इसे चैलेंज समझ रहा था। फिर वो जाते हैं जंप करने के लिए जहाँ नैन्सी एकदम मस्त जंप मार रही होती है, लेकिन वुडी उसे यहाँ भी कह रहा था कि तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों वाली लग रही हैं। नैन्सी उसे फिर से टीज करते हुए कहती है कि हाँ वैसे भी पुराने जमाने के लोग इतनी अच्छी जंप नहीं मार सकते हैं। सामने देखो लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं और एक तुम हो। वुडी उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारे मॉडर्न जमाने के लोगों को भी पीछे छोड़ सकता हूँ, और उसके बाद वो एकदम ऊंची ऊंची जंप मारने लग जाता है और अपनी सुपर पावर का यूज करके यहाँ वहाँ बहुत ही अच्छे से जंप मार रहा होता है, जिसे देखकर आसपास के लोग बहुत ज्यादा शॉक भी हो रहे थे और नैन्सी भी काफी इम्प्रेस हो जाती है। वुडी को प्यास लगी थी तो इसलिए नैन्सी इसके लिए पानी लेने के लिए जाती है, और वहीं दूसरी तरफ वुडी चैंग को देखता है जो कि जोई के लिए लिया हुआ बर्थडे गिफ्ट रिटर्न वापस करने के लिए आया था। लेकिन तभी उसे वहाँ पर जोई का बॉयफ्रेंड भी मिल जाता है जो कि उसे शायद आज प्रपोज करने वाला था, और वो चैंग को ये पूछ रहा था कि तुम तो जोई की बहुत अच्छे फ्रेंड हो तो तुम मुझे थोड़ी सी सजेशंस दे दो कि जोई को कौन सी रिंग पसंद आ सकती है। फिर जहाँ पर चैंग उसकी हेल्प करता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब कुछ वहाँ पे खड़ा हुआ वुडी भी देख रहा होता है और वो सोचता है कि चैंग को नैन्सी के साथ में वो आराम से सेट कर देगा क्योंकि जोई का तो ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, और जिससे कि वुडी का मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा और वापस से वो अपनी आराम में जा सकता है। फिर जैसे ही वो नैन्सी से मिलता है वो देखता है कि नैन्सी उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आई थी जो कि काफी ज्यादा क्यूट था, और नैन्सी उसे कहती है कि ये मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खरीद लिया। साथ ही वो कहती है कि जब भी तुम्हें अकेला फील हो तो तुम मुझे बुलाने की जगह इससे बातें कर सकते हो। नैन्सी की इन क्यूट क्यूट हरकतों पर वुडी को भी हंसी आ रही थी, लेकिन फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके ये सोच रहा होता है कि मैं नैन्सी की तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ, मुझे अपने आप को संभालना चाहिए। वो उससे पूछता है कि आज वो उसके साथ में इतना सारा टाइम क्यों स्पेंड करना चाहती थी। जहाँ पर फिर नैन्सी उसे कहती है कि मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती थी क्योंकि तुमने मेरी चैन को बचाने में हेल्प की थी। साथ ही वो कहती है कि वो अब बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि अब चाहे तो चैंग भी उसे नहीं निकाल सकता क्योंकि वो परमानेंट स्टाफ जो बन गई है और जोई ने उसे बनाया है। जहाँ पर बुडी सोचता है कि ये लड़की तो बिल्कुल ही बुद्धू है, यानी कि अब उसे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा जिससे कि नैन्सी और चैंग करीब आ सके। घर जाने के बाद नैन्सी वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो आज की सारी पिक्चर्स को देख रही होती है जो कि उसने बुडी के साथ में क्लिक की थी, जहाँ पर उसकी मॉम भी आती है, और जब उन्हें ये पता चलता है कि वो परमानेंट स्टाफ बन गई है वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ वुडी भी उस टेडी बियर को लेकर बैठा हुआ था और वो उसे बहुत ही गौर से घूर घूर के देख रहा होता है और उसे कहता है कि ना तो तुम्हारी आंखें मेरी तरह है, ना ही तुम्हारे लिप्स और ना ही तुम्हारी बॉडी मेरी जैसी है। मैं तो तुमसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम हूँ, लेकिन नैन्सी एकदम पागल है क्योंकि उसे लगता है कि तुम मेरे जैसे हो। वेल तो सीन शिफ्ट होता है। नैन्सी जब सुबह सो रही होती है तो वुडी उसकी विंडो पे पत्थर मारता है और उसे अपने रूम में बुलाता है, जहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारे कपड़े लेकर आया हुआ होता है। साथ ही वो कहता है कि तुम अब रेगुलर स्टाफ बन गई हो और वो भी चैंग की सेक्रेटरी हो तुम, सो इसलिए तुम्हें बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने चाहिए और अपना ड्रेसिंग सेंस एकदम चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन नैन्सी फिर उसे मना करके ये कहती है कि ना तो मेरा ये स्टाइल है, ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं क्योंकि ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और मैं ये नहीं ले सकती। जहाँ पर फिर वुडी भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लेकर आया था और तुम इसे लेने से मना कर रही हो, उसका मतलब ये है कि तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती हो।
नैन्सी भी फिर उसकी इमोशनल बातों में आ जाती है और कहती है कि तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना मैं तुम्हें समझती हूँ, और ये कहके वो ड्रेस लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुडी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आखिरकार उसका प्लान जो काम कर रहा था। नैन्सी फिर अच्छे से रेडी होकर फिर जैसे ही वो ऑफिस जाती है तो बाकी सारे लोग उसका ये ड्रेसिंग सेंस देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जहाँ पर चैंग भी आता है लेकिन वो तो नैन्सी को सीधा ही इग्नोर मारकर निकल जाता है। वहीं फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग की नॉवल पे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे जिससे कि उसका ऑफिस स्टाफ बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन चैंग को तो इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसको तो सिर्फ फर्क पड़ता है तो वो जोई है। और वो जोई के रूम के बाहर जाता है और अपना कैमरा ऑन करके ये चेक करने लग जाता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज किया या नहीं, उसके हाथ में रिंग है या फिर नहीं। लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो नहीं चेक कर पाता है और नैन्सी भी ये सब कुछ पीछे खड़ी हुई देख रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर ऑफिस का स्टाफ चैंग के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करने लग जाता है कि चैंग को नॉवल के मेन कैरेक्टर को नहीं मानना चाहिए। जहाँ पर फिर नैन्सी अपने बॉस यानी चैंग की साइड लेते हुए ये बोल रही होती है कि हमें बाकी ऑडियंस की तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मैं बॉस की नॉवेल्स 10 साल से पढ़ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि इसमें कैसे टर्न एंड ट्विस्ट आते हैं। ये भी हो सकता है कि बॉस अगले ही सीन में मेन कैरेक्टर को यू टर्न मारकर वापस ले आए जिससे कि स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए और वो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आए। नैन्सी को ये सारी बातें करता हुआ देखकर चैंग भी पीछे खड़ा हुआ सुन रहा होता है क्योंकि चैंग अपनी नॉवल के साथ में यही तो करने वाला था। वो नैन्सी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ वो उसे कहता है कि वो उसे फर्स्ट टास्क दे रहा है, और ये सुनकर तो नैन्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि पहली बार चैंग ने उसे कोई टास्क दिया था। साथ ही वो उसे एक और टास्क देता है कि उसे जोई के मूड के बारे में सब कुछ आकर चैंग को बताना पड़ेगा। हमारी पागल हीरोइन तो बहुत ज्यादा खुश थी और वो एक्साइटमेंट में जोई के रूम में फाइल्स लेने के लिए जाती है जहाँ पर वो काफी लड़खड़ा रही थी, लेकिन तभी जोई उसे संभाल लेती है। साथ ही नैन्सी के न्यू ड्रेसअप को देखकर वो उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी करती है। फाइल लेकर वापस आने पर चैंग उसे पूछता है कि क्या जोई के हाथ में कोई रिंग थी, लेकिन हमारी हीरोइन तो बहुत ज्यादा हड़बड़ी हुई थी तो इसलिए वो देख नहीं पाई थी। और वो चैंग से कहती है कि उसने उसके हाथ को तो नोटिस नहीं किया लेकिन उसकी टेबल पर एक ज्वेलरी का बॉक्स रखा हुआ था। ये सुनते ही चैंग का मूड चेंज हो जाता है और वो काफी अपसेट हो जाता है। फिर जैसे ही ऑफिस टाइमिंग फिनिश होती है तो सब लोग जा चुके थे, नैन्सी भी जा रही होती है, जहाँ पर वुडी उसे कॉल करती है। ये कहता है कि तुम चैंग की पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम्हें वहाँ पर तब तक रुकना चाहिए जब तक चैंग ऑफिस में है जिससे कि तुम्हारा प्रमोशन जल्दी हो जाएगा और चैंग तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाएगा। नैन्सी को भी वुडी की ये बात सही लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम जोई को देखते हैं जो कि बिना चैंग से मिले जा रही होती है और चैंग को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। फिर से वही वुडी भी ऑफिस का हाल जानने के लिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है वो नैन्सी से मिलने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और उसे फूड और वाइन की बोतल देकर वहाँ से निकल जाता है। नैन्सी सोचती है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर चैंग आता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। नैन्सी उसे संभालते हुए लिफ्ट के पास लेकर जाती है लेकिन वो दोनों तो लिफ्ट में ही फंस जाते हैं। ये सारी करामात किसी और की नहीं बल्कि हमारे हीरो यानी कि वुडी की थी, और उसने ही ये सब कुछ किया था जो कि लिफ्ट के कैमरे के जरिए उन दोनों पर नजर रखे हुआ था और वो कह रहा था कि यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लिफ्ट बहुत ज्यादा देर से बंद थी तो इसलिए चैंग को काफी ज्यादा प्यास लगने लग जाती है, लेकिन नैन्सी के पास तो पानी की जगह वाइन था और वो उसे वाइन की बॉटल छीनकर ही पीने लग जाता है जिससे कि उसे और भी ज्यादा नशा चढ़ जाता है। और यहाँ वो नैन्सी को बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं जोई को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नैन्सी भी अपने मन मन में सोच रही थी कि जल्दी ये लिफ्ट खुले और वो यहाँ से भाग जाए क्योंकि वो बॉस के सीक्रेट को नहीं सुनना चाहती थी। फिर चैंग उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि उसका एक दोस्त है जो कि जोई को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन वो उसे बताता नहीं है, यहाँ तक कि उसने जोई के बॉयफ्रेंड को जोई के लिए रिंग चूज करने में भी उसकी काफी हेल्प की। वो कितना ज्यादा बेवकूफ है ना। नैन्सी ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती थी और वो वहाँ पर बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है जिससे कि चैंग को लगता है कि शायद नैन्सी को कुछ हो गया है, और फिर वो उसे उठाने की कोशिश करने लग जाता है। और वहीं हमारा हीरो भी ये सब कुछ देख रहा होता है और जहाँ पर उसे भी लगता है कि शायद नैन्सी बेहोश हो गई है और चैंग उसके ऊपर गलती से स्लिप हो गया था, तो इसलिए उनके बीच में कोई भी गड़बड़ ना हो इसलिए फटाक से वुडी भागता हुआ लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट को खोलकर उन दोनों को बाहर निकाल लेता है। नैन्सी को भी फिर वुडी पर शक हो जाता है कि वो एंड टाइम पे वहाँ पर कैसे पहुँच सकता है। फिर जैसे ही चैंग वहाँ से जाता है तो नैन्सी वुडी को डांटने लग जाती है, लेकिन वुडी फिर वहाँ से बच के भाग रहा होता है और उसका पैर स्लिप हो जाता है जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। नैन्सी फिर से उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहाँ पर फिर वुडी उसे कहता है एक तो मैंने तुम्हारी हेल्प की और ऊपर से तुम मुझे ही डांट रही हो।
साथ ही वो कहता है कि चैंग तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है और वो बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। फिर नैन्सी उसे कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा रिच है और काफी ज्यादा स्मार्ट भी है और यहाँ तो मैं ही उसके लायक नहीं हूँ। वुडी उसके चिक्स को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा मासूम हो क्योंकि हर स्मार्ट दिखने वाला और रिच लड़का प्यार के काबिल नहीं होता। साथ ही वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो। फिर वो सोचता है कि मैं अचानक से ये सब कुछ क्या बोल रहा हूँ और वो चुप हो जाता है। फिर टॉपिक चेंज करके जब वो कुछ और बात कर रहा होता है तो बातों ही बातों में वो ये बोल देता है कि चैंग के स्टैंडर्ड को मैच करवाने के लिए ही उसने नैन्सी का पूरा ड्रेसअप चेंज किया था, जिससे कि नैन्सी को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और हमारा हीरो वहाँ से दुम दबा के निकल लेता है। वो अपने फ्लैट में जाकर यहाँ वहाँ टहल रहा होता है जहाँ पर तभी उसके डोर के बाहर आती है नैन्सी और जोर से पंच करके फिर वो अपने रूम में चली जाती है, जहाँ पर फिर उसे उसकी मॉम मिलती है और वो उसके ड्रेसिंग सेंस को देखकर उसके बारे में पूछने लग जाती है। नैन्सी यहाँ पे थोड़ा सैड भी थी और वो पूछती है कि मॉम क्या मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं लगती, जहाँ पर उसकी मॉम कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा प्यारी हो। साथ ही वो कहती है कि क्या ये बात तुमसे किसी और ने नहीं बोली, जहाँ पर नैन्सी को ख्याल आता है वुडी का जो कि उसको बोल रहा था कि तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो। फिर नैन्सी अपनी मॉम से कहती है कि हाँ बोली तो है लेकिन फिर वो लड़का भी छोटा निकला। वहीं दूसरी तरफ हम वुडी को देखते हैं जिसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी और वो बार बार नैन्सी के बारे में सोचा जा रहा था। वो उसे बहुत ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करता है, साथ ही अपने माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा होता है और थोड़ा घर का काम करने लग जाता है, लेकिन बार बार नैन्सी उसके माइंड में थी और वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जहाँ पर वो सोचता है कि कहीं उसे नैन्सी से प्यार तो नहीं हो गया है। पटाक से फिर वो जंप करके नैन्सी के रूम में पहुंच जाता है। नैन्सी वहाँ पे सो रही थी और वो उसे देखने लग जाता है कि अगर उसे नैन्सी से प्यार होगा तो उसको देखते ही वुडी को फील होने लग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता और नैन्सी उसे जोरदार नींद में थप्पड़ मारती है। और यहाँ पर वुडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि थैंक गॉड, और कहता है भले ही तुम कितनी क्यूट क्यों ना हो लेकिन तुम मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती हो। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी फिर से अपने वही ओल्ड कपड़े पहनकर ही ऑफिस जाने लग जाती है। साथ ही वो अपनी मॉम से कहती है कि वो अपने पुराने कपड़ों में ही ज्यादा कंफर्टेबल है और वो ये भी बोल रही होती है कि कॉन्फिडेंस हमेशा माइंड से आता है न कि ड्रेसअप चेंज कर लेने से, और ये सब कुछ सुनकर उसकी मॉम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसे ही नैन्सी ऑफिस जा रही होती है तो वुडी बाहर खड़ा हुआ उसका वेट कर रहा होता है। वो अपनी गलती के लिए उसे सॉरी बोलता है, लेकिन नैन्सी उसे कहती है कि पहले मैं सोचती थी कि तुम थोड़े से अच्छे इंसान हो लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा बुरे हो, साथ ही मैं अब तुम पे ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। वुडी को ये सारी बातें सुनकर बहुत हर्ट हो रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑफिस में नैन्सी और चैंग साथ में पहुंचते हैं, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे होते हैं। बात नहीं होने के बावजूद भी वो लोग मैसेज पे एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहां पर चैंग उसे कहता है कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ ये बात सीक्रेट रहनी चाहिए और सोई को तो बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और वहीं उनके आगे एक लेडी खड़ी हुई सब कुछ देख रही थी, जो कि काफी ज्यादा शौक थी। वहीं फिर ऑफिस में जाने के बाद चैंग ये सोचकर दुखी हुए जा रहा था कि कहीं जोई के बॉयफ्रेंड ने उसे प्रपोज ना कर दिया हो। वहीं दूसरी तरफ वुडी भी नैन्सी के द्वारा दिए हुए उस टेडी बियर से बातें करते हुए बोल रहा होता है कि नैन्सी उसके करेक्टर को कैसे जज कर सकती है, वो तो उसे अच्छे से जानती भी नहीं है। नैन्सी भी ऑफिस में यही सोच रही होती है कि अगर बॉस के सीक्रेट को वो कैसे छुपाएगी, क्योंकि उसके पेट पे तो कोई बात ही नहीं बचती है। फिर वो जोर से बोलती है कि ये मेंस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों होते हैं, और ये बात उसका सारा ऑफिस स्टाफ भी सुन लेता है। सब लोग उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि कल रात को तुमने ओवरटाइम किया था ना, और कहीं वो हैंडसम लड़का जिसके साथ तुम कल पूरी रात रुकी थी कहीं वो हमारा बॉस तो नहीं है। सब लोग उसे बहुत ज्यादा टीज कर रहे होते, लेकिन तभी उसके पास वुडी की कॉल आ जाती है। वो उसे मिलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ यानी कि ऑफिस स्टाफ उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था और उनसे बचने के लिए वो जाकर उससे मिल लेती है, जहाँ पर वुडी उसको अपने साथ में लंच के लिए लेकर जाना चाहता था ताकि वो उसको माफी मांगे सॉरी बोल सके। लेकिन नैन्सी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी तो इसलिए वो जाने से मना कर रही होती है। लेकिन हमारा हीरो भी किसी से कम थोड़ी ना था, वो उसे पेन ड्राइव दिखाते हुए ब्लैकमेल कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम ये साथ नहीं चली तो इसमें कल रात वाली लिफ्ट की सारी फुटेज है, तो जो कि मैं तुम्हारे ऑफिस स्टाफ को दिखा दूंगा। फिर कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो उसके साथ में लंच के लिए रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर फिर वुडी उसे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब से तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, ना ही मैं तुमसे कुछ छुपाऊंगा, और अगर मैंने ऐसा किया तो गॉड मुझे हमेशा के लिए यहीं पर कैद कर देंगे। नैन्सी भी फिर उसे कन्विंस हो जाती है और यहाँ पर वुडी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है कि नैन्सी फिर से उसके झूठ में फंस गई है।
जहाँ पर तभी नैन्सी को उसकी बेस्ट फ्रेंड सारा की कॉल आती है, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने के लिए जा रही थी, और वो उसे भी वहाँ अपने साथ चलने के लिए बोलती है। लेकिन नैन्सी पहले तो मना कर रही होती है, लेकिन फिर सारा उसे कहती है कि वहाँ पर उसका हैंडसम कजन भी आने वाला है, तो नैन्सी वहाँ जाने के लिए मान जाती है और बूढ़ी को वहीं पर छोड़कर भाग जाती है। बूढ़ी भी उसके पीछे पीछे जाता है ये चेक करने के लिए कि ऐसा कौन सा हैंडसम लड़का आ रहा है। फिर वो अपनी शक्ल छुपाते हुए मास्क लगाकर वहाँ पर पहुँच जाता है और नैन्सी को देख रहा होता है और उसे बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वेटर को पैसे देके वो उनके खाने में बहुत सारी मिर्चियाँ मिला देता है। फिर नैन्सी सारा के उस कजिन के साथ में गेम खेल रही होती है और उसे देख कर तो हमारा हीरो और भी ज्यादा जेलस होने लग जाता है। वही दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं ऑफिस में, जो कि नैन्सी की बातों से काफी ज्यादा मोटिवेट होके जोई को अपने दिल की बात बताने के लिए पहुंच जाता है कि वो उसे प्यार करता है। लेकिन उसके सामने जाते ही उसकी तो बोलती बंद हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे हिम्मत करके वो उससे जोई और उसके बॉयफ्रेंड के प्रपोजल के बारे में पूछता है, जहाँ पर जोई उसको बताती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर तो चैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर वो फटाक से जोई को कॉल करता है और उसे कहता है कि मेरा वो दोस्त जो कि जोई को बहुत ज्यादा पसंद करता है, वो तुम्हें थैंक यू बोल रहा है क्योंकि तुमने उसकी हेल्प की। लेकिन नैन्सी तो सिर्फ अपनी जॉब पर ध्यान देना चाहती थी, वो तो इन सारे चक्रों से दूर रहना चाहती थी, और यही सब सोच सोच कर वो वहीं पर बैठकर ड्रिंक करने लग जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं, जो कि नैन्सी का वेट कर रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी भी फील हो रही होती है। वो सोच रहा होता है कि बहुत रात हो गई है और नैन्सी अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई है, और उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। जहाँ पर तभी नैन्सी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है, साथ ही वो बूढ़ी के लिए एक आइसक्रीम भी लेकर आई हुई थी, क्योंकि बूढ़ी ने आज से पहले कभी भी आइसक्रीम नहीं खाई थी। नैन्सी बहुत ज्यादा ड्रंक थी, तो इसलिए वो काफी उठपटांग से हरकतें कर रही होती है और उसे बहुत ही ज्यादा उठपटांग भी बोल रही होती है। फिर वो उसके पास जाती है, उन दोनों के बीच में आई कॉन्टेक्ट होता है। फिर अचानक से ही वो उसके शोल्डर पर सो जाती है और बूढ़ी उसे उठाकर लेकर जाता है उसके रूम में। वो उसे सुला देता है, वो चाह ही रहा होता है, लेकिन नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जाने नहीं देती। बूढ़ी भी वहीं पर बैठा बैठा उसे देख रहा होता है। फिर अचानक से उसे भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों उठते हैं तो बूढ़ी देखता है कि नैन्सी ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है। नैन्सी की भी आंखें खुलती हैं, लेकिन वो तो यही सोच रहे थे कि ये तो शायद उसका कोई सपना है, और वो फिर से सो जाती है। लेकिन तभी फिर उसकी मॉम उसको जगाने के लिए आती है, तो इसलिए बूढ़ी उसके बेड के नीचे ही जाकर सो जाता है। जैसे ही नैन्सी उठती है, फिर उसे रात में बूढ़ी के साथ की हुई वो सारी हरकतें याद आने लग जाती है। फिर वो फटाक से बूढ़ी के रूम में भागते हुए जाती है, ये जानने के लिए कि जो कुछ भी उसे याद आया है वो सब कुछ सच है या फिर नहीं। लेकिन हमारा हीरो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट था, वो फटाक से जंप करके जाता है अपने रूम में और ड्रिंक्स की बॉटल हटाकर सारी सफाई करके पूरा सफर चट कर देता है, जिससे कि नैन्सी को वहाँ पर कुछ भी ना मिले। फिर वो जाकर डोर को ओपन करता है, नैन्सी रूम में आती है, वो सब कुछ चेक करती है जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, और वो सोचती है कि शायद ये सब भी उसका सपना था। हमारा हीरो भी अब नैन्सी के प्यार में डूबने लग गया था, क्योंकि वो नैन्सी को देख देख कर बार बार डे ड्रीमिंग जो कर रहा होता है। लेकिन नैन्सी को स्टिल लग रहा होता है कि दाल में कुछ काला है, और वो सीधा फूडी के रूम में जाती है। वहाँ वो चेक कर रही होती है और उसे उसका बेड एकदम क्लीन मिलता है। वो उसे कहती है, तुम्हारे बेड को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम कल रात में यहाँ पे सोए थे। वुडी फिर उसे अपनी सोने की पोजीशन दिखाता है और कहता है, मैं ऐसे सोता हूँ और इसलिए मेरा बेड एकदम क्लीन रहता है। वहाँ पे पड़ी बेल्ट को उठाकर फिर नैन्सी उसे बोलती है कि तुमने रूम को पूरा कितना गंदा करके रखा हुआ है। लेकिन वुडी बेल्ट के साथ में उसे देखकर फिर से डे ड्रीमिंग करने लग जाता है। वुडी की ये सारी ऊटपटांग हरकतों को देखकर नैन्सी को बहुत ही अजीब लग रहा होता है। वो उसे चेक करती है कि उसकी तबीयत ठीक है या फिर नहीं। साथ ही वो उसे पिंकी प्रॉमिस लेते हुए ये भी कहती है कि तुम उसे कहीं कोई झूठ तो नहीं बोल रहे हो। बूढ़ी उसे कहता है कि मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। वो उसे वहाँ से ये कहकर भगा देता है कि मुझे फ्रेश होना है। जैसे ही नैन्सी जाती है तो बूढ़ी को नैन्सी का बैग अपने बेड के नीचे मिलता है। वो फटाक से जाता है फ्लैट में, जाकर वो बैग फेंक देता है ताकि नैन्सी को कोई भी डाउट ना हो और ना ही उसे सच का पता चल पाए। नैन्सी ऑफिस के लिए बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, तो इसलिए वो भागते हुए जाती है, जहाँ पर मियो उसे ये बताती है कि बॉस ने तुम्हें अपनी ऑफिस में बुलाया है। वो उसके ऑफिस में जाती है, जहाँ पर चैंग उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जोई को पटाने के लिए उसे नैन्सी की हेल्प जो चाहिए होगी। साथ ही वो उसे कहता है कि जोई के साथ में मेरी मीटिंग फिक्स कर दो और कुछ भी बहाना बना दो, क्योंकि वो तो बस जोई के साथ में मिलने का बहाना ही ढूंढ रहा था, जिसमे की हमारी नैन्सी बहुत ही बुरी तरह से फंस गई थी। वही दूसरी तरफ हमारा हीरो फिर से उठपटांग हरकतें करने लग जाता है, क्योंकि वो नैन्सी का सारा सामान बाहर निकाल के फेंक रहा था, जिससे कि नैन्सी की मेमोरी उसे परेशान न करे। लेकिन फिर उसे हर जगह नैन्सी दिखाई देने लग जाती है और वो एकदम पागल सा हो जाता है, और इसलिए बूढ़ी अपना घर छोड़कर ही वहाँ से भाग जाता है, ताकि नैन्सी की यादें उसे और परेशान ना करे और वो उसको लेकर डे ड्रीमिंग ना करे।
नैन्सी भी जोई के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि चैंग के साथ में आपकी मीटिंग है, और जोई भी बिना मीटिंग के बारे में पूछे ही उसे हाँ बोल देती है। साथ ही वो कहती है कि मैंने तुम्हारे बॉस के साथ में बहुत सालों से काम किया है, मैं उसे बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और इसलिए बिना बोले ही वो क्या चाहता है सब कुछ समझ जाती हूँ। नैन्सी भी यहाँ पर बहती गंगा में हाथ धोने लग जाती है और उसे पूछती है कि मैं एक अच्छी असिस्टेंट कैसे बन सकती हूँ। जोई उसे बताती हुई कहती है कि एक अच्छी असिस्टेंट वही होती है जो कि बॉस के बिना कहे उसके सारे काम पहले से ही कर दे। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वुडी अपने आप को संभालते हुए वापस से अपने घर वापस आ रहा होता है, जहाँ पर उसे सामने ही नैन्सी दिखाई पड़ती है और वो सोच रहा होता है कि शायद वो फिर से नैन्सी के बारे में डे ड्रीमिंग करने लग गया है। लेकिन वहाँ पर तो सच में हमारी हीरोइन ही थी। वो उसे पूछती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारी बार कॉल किया लेकिन तुमने मेरा फोन ही पिकअप नहीं किया, साथ ही तुम मुझे इतना ज्यादा इग्नोर क्यों कर रहे हो। वुडी उसे फिर से इग्नोर मार के वहाँ से जाने लग जाता है तो नैन्सी उसे रोकते हुए कहती है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है और पार्टी है और हम सबको चलना है। वुडी का उस पार्टी में जाने का दिल तो बहुत था लेकिन वो उससे कहता है कि मैं वहाँ पर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे और भी काम है। लेकिन जैसे ही फिर वो अपने फ्लैट का गेट ओपन करता है तो देखता है बहुत सारा पानी फैला हुआ है क्योंकि उनका पाइप जो टूट गया था। दोनों ही जाते हैं और पाइप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर नैन्सी को फिर से एक बार ऐसा देखकर वुडी फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाता है और इसलिए वो उसे फेस वाइप करने के लिए टॉवल देता है और उसे वहाँ से भगा देता है। नैन्सी को ऐसे भीगा हुआ देखकर उसकी मॉम उसके भीगने की वजह पूछती है। जब नैन्सी उन्हें ये बताती है कि वुडी उनकी बर्थडे पार्टी में नहीं आएगा तो वो कहती है कि जरूर तुम्ही ने उसे बुली किया होगा, और वो खुद जाकर फिर उसे इनवाइट करती हैं। शाम को जब वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए होते हैं तो वुडी बार बार नैन्सी को बहुत ही ज्यादा इग्नोर मार रहा होता है तो नैन्सी उसे पूछती है कि कहीं मेरी मॉम ने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए फोर्स तो नहीं किया क्योंकि तुम तो नहीं आना चाहते थे। नैन्सी की मॉम बर्थडे केक कट करने से पहले कैंडल को ब्लो करती है जिसमें वो तीन विशेस मांगती है, जिसमें पहली विश ये थी कि वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाए, सेकंड थी कि नैन्सी को कोई अच्छा और सच्चा प्यार करने वाला बंदा मिल जाए, और उनकी तीसरी विश थी कि वो तीनों हमेशा साथ में रहें। फिर तीनों एक दूसरे के फेस के ऊपर केक रब करने लग जाते हैं, जहाँ पर वुडी भी नैन्सी के साथ बहुत ऐसे केक के साथ में खेल रहा होता है लेकिन फिर उसे याद आता है और वो खुद को कंट्रोल करते हुए उसे इग्नोर मारकर वॉशरूम चला जाता है और सोचता है कि मैं भी नैन्सी के साथ में कैसी कैसी सिली सिली हरकतें करने लग गया हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर नैन्सी की मॉम आती है और उसे कहती है कि जो तुम नहीं कर सकते वो तुम्हें नहीं करना चाहिए। वुडी को यहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मॉम को सबका सच पता चल गया है, लेकिन मॉम तो शायद बिल के बारे में बात कर रही थी जो कि वुडी ने पैक कर दिया था। उसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो वुडी ये बहाना बनाकर उनके साथ में नहीं जाता है कि उसका पेट काफी ज्यादा भर गया है और वो वॉक करके घर आना चाहता है। नैन्सी भी अपनी मॉम के साथ ना जाकर वुडी के पीछे पीछे आने लग जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि तुम शायद मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारे फेस पे केक जो रब किया था, लेकिन हमारा हिसाब तो बराबर हो गया क्योंकि तुमने भी मेरे फेस पे केक रब किया था। वो उसे बार बार तंग कर रही होती है, जहाँ पर बुड़ी को गुस्सा आता है और वो उसे रोकते हुए गुस्से में कहता है कि तुम जानती भी हो कि तुम मेरे साथ में क्या कर रही हो, ना ही तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में पूछा कि मैं कैसा फील करता हूँ, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। नैन्सी भी सोचने लग जाती है कि वो अपना एरा छोड़कर आया है तो शायद इसलिए वो अपने घर को मिस कर रहा होगा और इसीलिए वो इतना ज्यादा गुस्सा है। वहीं दूसरी तरफ बुड़ी जब घर पहुंचता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो अपने दिल और अपने दिमाग दोनों से नैन्सी को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसकी यादें तो उसे बार बार परेशान कर रही थी और इसलिए वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बुक्स पढ़ने लग जाता है, और वहाँ भी उसे नैन्सी की फोटो मिलती है। फिर वो नेट पर सर्च करता है प्यार के बारे में और इसमें लिखा हुआ था प्यार एक ऐसी फीलिंग है जिसे बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, साथ ही इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और अगर आप जिसे प्यार करते हो वो आपको प्यार से ट्रीट कर रहा हो फिर तो आप खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक ही नहीं सकते हो। जहाँ पर तभी बुड़ी को नैन्सी का मैसेज आता है जो उसे ये बोलते हुए सॉरी कर रही होती है कि मेरी मॉम ने तुम्हें फोर्सफुली बुलाया है तो उसके लिए सॉरी, और मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहूंगी जहाँ पे तुम्हें जाना पसंद होगा। वुडी उसका मैसेज पढ़ने के बाद फिर से उठपटांग सोचने लग जाता है, और वहीं नैन्सी पूरी रात उसके रिप्लाई का वेट करती है लेकिन वुडी ने तो उसे कोई रिप्लाई ही नहीं किया था। फिर जब नेक्स्ट डे वो ऑफिस जा रही होती है तो उससे पहले वो जाकर बुड़ी से मिलने का सोचती है, लेकिन ये सोचकर वो वापस आ जाती है कि शायद वो अभी भी गुस्सा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी के ये कहने पर कि सोई को जो जगह जाना पसंद है आप उसे वहाँ पर लेकर जाइए तो वो ज्यादा खुश हो जाएगी, और इसलिए चैंग उसे लेकर एक आर्ट एग्जीबिशन में जाता है क्योंकि जोई को पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन वो तो वहाँ पे भी बिजनेस की बातें ही करने लग जाती है जिससे कि चैंग का मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है। साथ ही वहाँ पर उसे अपना वो क्लाइंट भी मिल जाता है जिसके साथ डील करने के लिए वो बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी लेकिन उसके साथ में उसे कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही थी।
जोई फिर फटाक से उस क्लाइंट के पास में जाती है, उससे बातें करने लग जाती है और ये सब कुछ देखकर बेचारा हमारा चैंग बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा होता है। फिर वापस आकर जोई इसे थैंक यू बोलती है क्योंकि आज का सरप्राइज उसके लिए लिटरली बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। नैन्सी भी बेचारी पूरा दिन वुडी के मैसेज का वेट कर रही होती लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं आता। और वहीं वुडी भी अपना स्ट्रेस रिलीव करने के लिए पेंटिंग बनाने के लिए पहुंच जाता है लेकिन उसे तो ये पता ही नहीं चलता कि उसने कब नैन्सी का स्केच बना दिया है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक होता है। लेकिन पेंटिंग मास्टर ये देखकर बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि वो पेंटिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। वहाँ से भागकर वो एक्सरसाइज करने के लिए जाता है लेकिन वहाँ भी उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। साथ ही उसे वहाँ पर नैन्सी का ये मैसेज मिलता है कि आज शाम को वो उसके साथ घूमने के लिए जाना चाहती है, जिसे फिर से इग्नोर मारते हुए वो फिर मेडिटेशन करने के लिए पहुँच जाता है लेकिन वहाँ भी उसे चैंग दिखाई पड़ता है। क्योंकि दोनों को ही रिलीफ चाहिए था, उनकी प्रॉब्लम भी सेम थी और दोनों ही अपना प्यार कन्फेस नहीं कर पा रहे थे। जहाँ पर तभी बुडी को फिर से नैन्सी की कॉल आती है और इस बार वो उसकी कॉल को पिकअप करके बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाना नहीं चाहता, तो मुझे परेशान मत करो। नैन्सी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, वो बोलने लग जाती है कि गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं इस बंदे को कैसे मनाऊं। जहाँ पर तभी हेल्प वर्ड बोलते ही बुडी उसके सामने प्रकट हो जाता है और ना चाहते हुए भी अब उसे नैन्सी के साथ में जाना पड़ता है गेम खेलने के लिए। जहाँ पर नैन्सी की फ्रेंड सारा और उसका बॉयफ्रेंड भी होते हैं और वो सब लोग एक भूत बंगले टाइप में घुस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बहुत सारी क्लूज ढूंढने होंगे और टास्क कंप्लीट होने के बाद ही वो लोग यहाँ से बाहर आ सकते हैं। फिर उन्हें ये ऑर्डर मिलता है कि उन्हें दो दो लोगों की टीम बनानी है और इस टास्क को कम्प्लीट करना है। सारा और उसका बॉयफ्रेंड टीम बनाते हैं और नैन्सी और वुडी की टीम तो अपना बनी जाती है क्योंकि उनके अलावा तो यहाँ पर और कोई था ही नहीं। फिर उन्हें एक रूम में भेजा जाता है जहाँ पर सेम जो पिक्चर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग इन्हें पोज करना था और सारे पोज वो लोग धीरे धीरे करके बना रहे होते हैं, जो कि लिटरली गाइस काफी ज्यादा फनी लग रहे थे। फिर लास्ट पोज में उन दोनों को हग करना होता है, जहाँ पर नैन्सी तो तैयार थी लेकिन वुडी उसे हग करने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि लास्ट टाइम जब वो दोनों करीब आए थे तो वुडी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी और साथ ही वो नैन्सी की मेमोरीज को तब से भूल नहीं पा रहा है और बार बार नैन्सी की तरफ अट्रैक्ट हुआ जा रहा है, तो वो नहीं चाहता था कि इस बार फिर से वैसा कुछ हो जाए। नैन्सी से कहती है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो ना, और शायद तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ गई है तो इसलिए तुम मुझे हग नहीं कर रहे हो। नैन्सी की बातें वुडी को और न सुननी पड़ी, इसलिए फाइनली वो उसे जोर से हग कर लेता है और अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि हाँ मुझे प्यार हो गया है, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। जिससे कि दोस्तों लास्ट टास्क भी कंप्लीट हो जाता है और डोर ओपन हो जाता है और नैन्सी वहां से निकल के भाग जाती है। फिर वो चारों घर वापस आते हुए बाइसाइकिल से होते हैं और काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, जहाँ पर बुडी यही सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा बेवकूफ है जो कि अभी तक मेरी फीलिंग को समझ नहीं पा रही है। लेकिन नैन्सी तो ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि अब बुडी का मूड ठीक हो गया है और वो उसे अब इग्नोर भी नहीं मार रहा है। दोनों लोग फिर रेसिंग करते हुए घर पहुंच जाते हैं और नैन्सी को इतना ज्यादा खुश हो कि उसकी माँ भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी और उससे इसका रीजन पूछती है और साथ ही वो पूछती है कि तुमने नॉवल लिखना क्यों छोड़ दिया। जहाँ पर नैन्सी कहती है कि मैं बॉस को अच्छी से समझ गई हूँ और इसलिए अब मुझे उन्हें फैंटेसाइज करने का बिल्कुल मन ही नहीं होता। जहाँ पर उसकी मॉम कहती है तो फिर तुम चैंग को छोड़ के किसी और को फैंटेसाइज कर लो। जहाँ पर नैन्सी भी एक बार वुडी के बारे में सोचती है, फिर उसे याद आता है कि वो तो यहाँ से बस कुछ टाइम बाद जाने ही वाला है और वो उसे चाहकर भी नहीं रोक सकती है क्योंकि वो तो उसकी यारा का है ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ वुडी भी काफी ज्यादा रिलैक्स हो गया था और वो सोच रहा था कि अगर उसको सुकून ऐसे ही मिलता है तो ऐसे ही सही। और वैसे भी नैन्सी बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है और उसे तो बुडी की फीलिंग्स के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है और इसलिए वो उसको मैसेज करके बोलता है कि आज का गेम उसे बहुत ज्यादा पसंद आया और वो चाहता है कि वो फ्यूचर में भी ऐसे ही गेम्स खेलते रहे। नेक्स्ट डे वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाता है क्योंकि वो ये जानता था कि ऑफिस जाने से पहले नैन्सी हमेशा उससे मिलकर जाती है। वो डोर पर खड़ा हुआ बहुत टाइम से उसका वेट कर रहा होता लेकिन नैन्सी तो आती ही नहीं है। यहाँ पर बुडी ने बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप भी किया हुआ था और जैसे ही वो गेट खोल के बाहर जाता है देखता है कि नैन्सी तो उसे बिना मिले ही चली गई है। नैन्सी की इस बात पे उसे काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि नैन्सी ने ऐसा पहली बार किया था, बिना वुडी से मिले ही चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ सोई को ऑफिस में नैन्सी का वो नॉवल दिखता है जो कि उसने लिखा था और उसने उसमें चैंग को हीरो बनाया था, जिसे देखकर सोई काफी ज्यादा खुश भी हो रही थी। नैन्सी को अपने रूम में बुलाती है। नैन्सी तो बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी कि कहीं उसे नैन्सी और चैंग के सीक्रेट के बारे में तो नहीं पता चल गया, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था और वो ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो जाती है कि नॉवेल को तो उसने डिलीट मार दिया था और फिर भी नॉवेल वहाँ पर थी क्योंकि उसके किसी फैन ने स्क्रीनशॉट लेकर नॉवेल को वहाँ पर अपलोड कर दिया था। जहाँ पर जोई उससे कहती है कि तुम्हारी नॉवेल में हीरो चैंग है और हीरोइन तुम हो और साथ ही जो विलन है वो शायद तुम्हारा नेबर है। नैन्सी फिर यहाँ पर जोई को क्लैरिफाई करती हुई ये बोलती है कि मैं बॉस को पसंद नहीं करती हूँ, ये तो सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी है और आप बिल्कुल ही गलत समझ रही हो।
जोई भी उस पे हंसने लग जाती है और कहती है कि ये लो, ये राइटिंग कंपटीशन का एक फॉर्म है जो कि तुम्हें जीतना है और तुम जीत भी सकती हो क्योंकि मुझे तुम्हारी नॉवेल बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। चैंग भी उन दोनों को ऐसे हंसते हुए बातें करते हुए बाहर देख रहा था। चैंग फिर नैन्सी से पूछता है कि मेरा दोस्त जो कि जोई को बहुत ज्यादा पसंद करता है वो उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जानता है कि जोई को क्या पसंद है और वो किस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी क्योंकि तुम एक लड़की हो तो तुम शायद हेल्प कर सकती हो। वहीं दूसरी तरफ हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस में था क्योंकि उसने नैन्सी को मैसेज किया था लेकिन नैन्सी ने तो उसका रिप्लाई ही नहीं किया था और वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि शायद नैन्सी अब उसे इग्नोर मार रही है क्योंकि वो सुबह उसे मिलकर भी नहीं गई थी। लेकिन हमारी हीरोइन तो अलग ही दुविधा में चल रही थी। वो तो बस यही सोच रही थी कि बॉस के सीक्रेट को वह कैसे छुपा के रखेगी क्योंकि उसके पेट में तो कोई बात पचती ही नहीं है, जहाँ पर मियो भी आ जाती है और मियो को तो उसी पे शक हो रहा था कि उसका और बॉस का चक्कर चल रहा है। वुडी भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था इसलिए वो सीधा नैन्सी के ऑफिस के बाहर ही पहुंच जाता है जहां वो उसे कॉल करते हुए कहता है कि अगर तुम 3 मिनट के अंदर नीचे नहीं आई तो फिर मैं ऊपर आकर सबको तुम्हारे और बॉस के बारे में बता दूंगा। नैन्सी बहुत डर जाती है और वो भागते हुए नीचे जाती क्योंकि वो जानती है कि वुडी जो भी कहता है वो हमेशा करके दिखाता है और वो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलता। नैन्सी यहाँ पर उसके साथ लंच के लिए तो मान जाती है लेकिन वुडी के इतने ज्यादा लवी डवी बिहेवियर को देखकर उसे यही लग रहा होता है कि शायद वो फिर से उसके लिए बॉयफ्रेंड होने की कोई प्लानिंग कर रहा होगा क्योंकि वुडी सच में वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। मियो को तो नैन्सी भी पहले ही शक था और इसलिए वो कुछ ऑफिस के दोस्तों के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब लोग साथ में बैठकर वुडी और नैन्सी के साथ में लंच करने लग जाते हैं, जहाँ पर मियो फिर वुडी से उठपटांग क्वेश्चन पूछने लग जाती है जैसे कि तुम कहाँ से हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। और यहाँ पर नैन्सी को भी समझ में आ रहा था कि वुडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और इसलिए उसके सारे क्वेश्चन के आंसर नैन्सी खुद से दे रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वुडी ने मुंह खोला तो वो सबको सच बता देगा। वुडी को भी मियो के सारे क्वेश्चन सुनकर बहुत गुस्सा आने लग जाता है इसलिए वो कॉइन मारकर उसकी चाय ही गिरा देता है और नैन्सी को उठाकर लेकर आता है और अपनी साइड वाली चेयर पे बैठा देता है। बुडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो नैन्सी के साथ में टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि उसे और ज्यादा बेचैनी ना हो और थोड़ा सा सुकून मिल सके, लेकिन ये सारे लोग उनके बीच में कबाब में हड्डी बन गए थे। फिर जैसे ही लंच खत्म होता है वो सब लोग जाने लग जाते हैं। नैन्सी भी उसके साथ में जा रही होती है तभी वुडी उसे पकड़ लेता है और कहता है कि हम लोग आज रात फिर से वो एस्केप रूम वाला गेम खेलने के लिए जाएंगे, जहाँ पर पहले तो नैन्सी उसे बहुत मना कर रही होती है लेकिन वुडी के बार बार कहने पे वो मान जाती है। साथ ही वुडी उसे वार्न करते हुए ये भी कहता है कि इस बार वो सारा और उसके बॉयफ्रेंड को ना बुलाए क्योंकि हम दोनों ही जाएंगे। नैन्सी भी फिर वहाँ से चली जाती है और वुडी तो यही सोच सोच के खुश हो रहा होता है कि फिर से उसे एक बार नैन्सी को हग करने का मौका मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चैंग भी बार बार जोई से मिलने की कोशिश कर रहा होता है, वो बार बार बहाने बना रहा होता है लेकिन ऑफिस के लोग उसे बार बार पकड़ कर काम की बातें कर रहे होते हैं। जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग तो जाता है, छुप जाता है और जोई आती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन जोई भी उसे बिजनेस की बातें करके बोर करने लग जाती है और वहाँ से चली जाती है और फिर से हमारे चैंग की बात उसके दिल में ही रह जाती है। ऑफिस टाइमिंग खत्म होते सब लोग घर जा रहे होते हैं जहाँ सब देखते हैं कि वुडी वहाँ पर नैन्सी का वेट कर रहा होता है। नैन्सी के दोस्त तो उन दोनों को साथ में देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं लेकिन नैन्सी वुडी से कहती है कि लगता है तुम्हारे पास कुछ ज्यादा ही टाइम है, जहाँ पर फिर फाइनली वो दोनों गेम खेलने के लिए चले जाते हैं और वुडी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। गेम स्टार्ट होता है, दोनों को प्रिंस एंड प्रिंसेस वाले कपड़े पहना दिए जाते हैं। फर्स्ट राउंड में वुडी को सिलेक्ट किया जाता है जिसे कि एक लेडी के साथ में डांस करना होता है और उसे देखकर नैन्सी काफी ज्यादा खुश हो रही थी, वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। सेकंड राउंड स्टार्ट होता है और उन्हें एक भूतिया रूम से बाहर निकलना होता है, जहाँ पर तो वुडी यही सोच रहा होता है कि शायद डर के नैन्सी उसे चिपक ही जाएगी लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। नैन्सी तो उल्टा डर कर भागते हुए विंडो के पास चली जाती है और फिर वुडी उसके पास जाकर उसको कंसोल करने लग जाता है। फिर लास्ट राउंड आता है और यहाँ पर नैन्सी को सिलेक्ट किया जाता है। नैन्सी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे भूत को ढूंढना था, जिसमें वुडी उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और नैन्सी इसमें जीत जाती है तो रिवॉर्ड के रूप में वो भूत उसको किस करने ही वाला होता है। लेकिन तभी वुडी बीच में कूद जाता है, नैन्सी को अपने साथ में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई भी किस नहीं कर सकता। और आज के गेम में वुडी को बिल्कुल मजा नहीं आया क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। सीन शिफ्ट होता है और फेरी फाउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन्सी जाकर फेरी गॉड से प्रे कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि कल मेरा राइटिंग कंपटीशन है, मुझे नॉवल लिखनी है और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसमें क्या स्टोरी लिखूं। वो काफी ज्यादा परेशान थी
और वहीं दूसरी तरफ पुडी भी फेरी गॉड से कह रहा होता है कि आखिरकार ये कैसा अनफॉर्गेटेबल लव है जो किसी मुझे फील होता है और उसे नहीं होता। मैं तो उसकी सारी विशेष पूरी करता हूँ लेकिन मेरी एक भी विश पूरी नहीं होती। ये तो सीधा सीधा मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। जहाँ पर उसे बड़बड़ाता हुआ नैन्सी भी सुन लेती है और उसके पास जाकर उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ में क्या अनफेयर हो रहा है। जहाँ पर वुडी काफी गुस्से में होता है और उसे बोलता है कि रहने दो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन नैन्सी उसे कहती है कि दो दिन से तुम बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। आज हमने साथ में लंच किया, गेम खेलने गए, ये सब तो कोइंसिडेंट हो ही सकता, तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में प्रॉब्लम क्या है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम उससे क्या छुपा रहे हो, और धीरे धीरे उसके पास आने लग जाती है। वुडी भी बेंच पे गिर जाता है और वो काफी ज्यादा स्वेटिंग करने लग जाता है। नैन्सी उसे चेक करती है कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, और यहाँ पे उसकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट होती है। और वुडी अपने मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये इतनी ज्यादा समझदार अचानक से कैसी हो गई, और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर नैन्सी उसको उठाकर फ्लैट में लेकर जा रही होती है, साथ ही वो उससे ये भी पूछ रही होती है कि जब तुम्हारी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वुडी उससे ये कह रहा होता है कि तुम ऑफिस के काम में काफी ज्यादा बिजी थी इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था। नैन्सी इसे फिर समझाते हुए कहती है कि काम वाम तो सब बाद में भी हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी हेल्थ अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो उसका टेम्परेचर चेक कर रही होती है, तो वुडी अपनी सुपरनेचुरल पावर का यूज करके अपने टेम्परेचर को थर्मामीटर में काफी हाई दिखा देता है। नैन्सी उसके लिए सूप बना कर लेकर आती है और वो जा रही होती है तो वो सूप में ही अपना हाथ डालकर उसे जला लेता है ताकि नैन्सी उसके साथ में ही रहे। लेकिन नैन्सी उसे कहती है कि उसे ऑफिस का बहुत सारा काम है, वो फिर से जा रही होती है। तो यहाँ पर हमारा हीरो फिर से अपनी सुपर पावर का यूज करके अपनी नाक से खून निकाल लेता है। नैन्सी को लगता है कि इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है, तो इसलिए वो उसके पास में रुक जाती है और वहीं पर सो जाती है। फिर जैसे ही वुडी सो जाता है तो नैन्सी उठकर आधी रात में वहां से चुपचाप निकल जाती है ताकि वुडी की आँख ना खुल जाए। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी वुडी के लिए सूप बनाकर लेकर जा रही थी और उसकी मॉम भी उसे यहाँ पर देख लेती है। लेकिन उसकी मॉम तो ये देखकर हैरान होती है कि जिस लड़की ने आज तक खाने का कोई भी सामान नहीं बनाया है वो आज वुडी के लिए सूप बनाकर लेकर जा रही है। वो काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वुडी भी काफी ज्यादा खुश था, वो मस्त गाना सुनते हुए नाच रहा होता है क्योंकि वो जैसा चाहता था वैसा ही हो रहा है। और नैन्सी उसके धीरे धीरे करीब आ रही थी जिससे कि उसे काफी ज्यादा सुकून मिल रहा था। जहाँ पर दबी नैन्सी के आने की आवाज सुनकर वो फटाक से जाकर बेड पर लेट जाता है और फिर से बीमार होने का नाटक करने लग जाता है। नैन्सी उसका टेम्परेचर चेक करती है तो वो काफी हद तक ठीक हो चुका था। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ में रहो क्योंकि अगर तुम मेरे पास में रहोगी तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बचपन में मैं एक बार बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, तब से ही मेरे साथ हमेशा से ऐसा होता है कि कोई मेरी केयर करता है तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाता हूँ। नैन्सी यहाँ पर ये सोच रही होती है, मैंने तो नॉवल में वुडी के कैरेक्टर में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, तो फिर वुडी ये सब कुछ क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो अपनी मॉम को उसके पास में उसकी केयर करने के लिए ले आती है क्योंकि उसे ऑफिस के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा था और वो वुडी को भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वुडी तो यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो तो यही सोच रहा था कि आज सारा दिन नैन्सी उसके पास रहने वाली है। बेचारा हमारा हीरो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है जब नैन्सी की मॉम उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही होती है। नैन्सी जैसे ही अपनी ऑफिस में पहुंचती है देखती है कि चैंग तो उसी के टेबल पे बैठा हुआ उसका वेट कर रहा होता है। बट यहाँ पर हमारी हीरोइन जानती थी कि चैंग उससे क्या पूछने वाला है, कि चैंग को फिर से उसके लिए सोई के बारे में कुछ पूछना होगा। होता भी कुछ ऐसे ही, चैंग उससे कहता है कि मेरा दोस्त सोई को उसके फेवरेट पेंटिंग एग्जीबिशन में लेकर गया था लेकिन उनके बीच तो कोई बात ही नहीं बनी। नैन्सी सोच रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चैंग फिर उसे कहता है कि उसका दोस्त सोई के साथ में पहले भी बहुत बार बिजनेस मीटिंग में जा चुका है। जहाँ पर नैन्सी को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ऐसा क्यों हुआ। वो चैंग को समझाती हुई कहती है कि आप अपने दोस्त को बोलिए कि वो सोई को किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं बल्कि एक एडवेंचर ट्रिप पर लेकर जाएं। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नैन्सी बार बार वुडी को मैसेज करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ रही होती है। लेकिन हमारा हीरो तो हीरोइन की मॉम के साथ में फंसा हुआ था क्योंकि नैन्सी की मॉम उसकी कुछ ज्यादा ही केयर कर रही होती है। फिर उनसे जैसे तैसे बच के वो वॉशरूम में जाकर मस्त पंखे की ठंडी ठंडी हवा लेने लग जाता है। लेकिन नैन्सी की मॉम ये सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि उसको वॉशरूम में जाए हुए काफी टाइम हो गया है और ये अभी तक बाहर नहीं आया है। वो फिर फटाक से उसे कॉन्स्टिपेशन की दवाई पकड़ा देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वुडी ने उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया था और वो अपनी मॉम को भी कॉल कर रही थी और उसकी मॉम भी कॉल पिक नहीं कर रही होती है। फिर जैसे ही मीटिंग फिनिश होती है नैन्सी भागते हुए वहां से जाती है जहाँ पर उसका सारा ऑफिस स्टाफ ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा था।
फिर जैसे ही नैन्सी घर जाती है वो देखती है कि बूटी तो काफी हद तक ठीक हो गया था और वो उसे बोल रही होती है, देखा तुमने मेरी मॉम की केयर का कमाल कि तुम कितनी जल्दी ठीक हो गए हो। फिर वो उसे ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है, तो अब जब तुम ठीक हो ही गए हो तो अपना अच्छे से ध्यान रखना। बूटी भी सोच रहा होता है कि उसका ये प्लान तो फेल हो गया, तो शायद अब उसे कुछ नया प्लान करना पड़ेगा जिससे कि नैन्सी उसके पास में रहे। नैन्सी अपने रूम में राइटिंग कंपटीशन के लिए नॉवल लिखने की प्रैक्टिस कर रही होती, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या लिखे। जहाँ पर तभी अचानक से लाइट चली जाती है, वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो और उसकी मॉम जाकर फटाक से मीटर चेक करते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही होती है। जहाँ पीछे से आकर बूढ़ी नैन्सी को बहुत बुरी तरह से डरा देता है, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हीरो ने ही किया था। वो नैन्सी और उसकी मॉम से कहता है कि अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, तो आप लोग मेरे फ्लैट में आकर रह सकते हो, और वैसे भी तो ये फ्लैट आपका ही है। नैन्सी वहाँ पर काफी ज्यादा नानुकुर कर रही थी, लेकिन उसके पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए वो अपनी मॉम के साथ बूढ़ी के फ्लैट में जाकर रहने लग जाती है आज रात के लिए। नैन्सी की मॉम फिर इस क्यूट से टेडी बियर को देखते हुए बोलती है कि नैन्सी किस एंगल से तुम्हें ये टेडी बियर बूढ़ी की तरह लगता है, क्योंकि बूढ़ी तो इससे बहुत ज्यादा हैंडसम और बहुत ज्यादा क्यूट है। तुम्हारे इस सेंस ऑफ ह्यूमर से आज मुझे समझ में आ ही गया कि तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। ये सुनने के बाद तो नैन्सी वहाँ पर काफी रोने की एक्टिंग करने लग जाती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैं तो आप ही की बेटी हूँ। नैन्सी की मॉम भी फिर वहाँ पर नौटंकी करते हुए से सॉरी बोल रही होती है, जहाँ पर बूढ़ी उन दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रहा होता है। जिसके बाद फिर वो उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आता है, जहाँ पर नैन्सी उसे कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही जेंटलमैन हो गए हो, जो तुमने मेरे बिना कहे ही रेंट पे कर दिया है। ये सुनने के बाद नैन्सी की माम उसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना कि तुम हमारे मेहमान से रेंट लेती हो। और दूसरी तरफ ये बूढ़ी है जो कि इतना बीमार होने के बाद भी हम दोनों की कितनी ज्यादा केयर कर रहा है। फिर उसके बाद वो लोग गेम खेलने लग जाते हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। सोने का टाइम होता है, यहाँ बूढ़ी बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, वो काफी इंजॉय कर रहा होता है ये सोच सोच कर कि अब तो नैन्सी उसके पास में ही है, तो वो जब चाहे उसे देख सकता है। सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है, बूढ़ी ने नैन्सी के लिए बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर रखा हुआ था। नैन्सी और उसकी मॉम डाइनिंग टेबल पे खाना खाने के लिए आते हैं और उसकी मॉम तो बूढ़ी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। बूढ़ी ने ये सब कुछ नैन्सी के लिए किया था ताकि वो उसके प्यार को समझ ले, लेकिन हमारी पागल हीरोइन को तो ये सब बातें समझ ही नहीं आती। साथ ही वो ये कह रही होती कि मैंने लाइट ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया है, तो जल्द ही हम अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। बूढ़ी अपने मन में सोच रहा होता है कि हाँ वो तो तब होगा ना जब मैं ऐसा होने दूंगा। फिर जैसे ही वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन आता है, तो वुडी अपनी सुपर पावर का यूज करके लाइट को ठीक ही नहीं होने देता और नैन्सी को फिर से वुडी के फ्लैट में ही रहना पड़ जाता है। फिर रात के टाइम पे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद फाइनली हमारा हीरो हमारी हीरोइन यानी कि नैन्सी को मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है, ताकि उसके साथ में वो और ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन ये क्या, वुडी ने तो सिर्फ एक ही पॉपकॉर्न और एक ही पेप्सी ले दी। नैन्सी को भी ये छूट बोल दिया था कि ये कॉम्बो काफी ज्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा था, तो इसलिए मैंने ले लिया। लेकिन नैन्सी भी फिर उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉ डालकर ले जाती है और बेचारा हमारा हीरो देखता ही रह जाता है। मूवी स्टार्ट होती है और नैन्सी तो बस मूवी ही देखे जा रही थी, और यहाँ पर बूढ़ी बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, क्योंकि उसने तो यही सोचा था कि नैन्सी के साथ में वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएगा, लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैसे ही मूवी एंड होती है, तो पोस्टर को देखकर बार बार बूढ़ी यही सोच रहा था कि मूवी का हीरो क्या बूढ़ी से ज्यादा हैंडसम है, क्योंकि नैन्सी मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और बूढ़ी की तरफ तो देख भी नहीं रही थी। वो बहाना मारते हुए बोलता है कि मुझे ये मूवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है और इसलिए मैं अब दूसरी मूवी देखना चाहता हूँ। तो इसलिए वो अब एक ऐसी मूवी चूज करता है जो कि नैन्सी को बिल्कुल पसंद ना आए और इसका सारा ध्यान बूढ़ी की तरफ हो। होता भी कुछ ऐसे ही है, वो लोग कार्टून मूवी देखने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो गया था। नैन्सी तो बेचारी बोर होकर सो गई थी, लेकिन इस बार हमारे हीरो का प्लान पूरी तरह से फेल नहीं हुआ था, क्योंकि नैन्सी उसके शोल्डर पर जो सो रही होती है। मूवी फिनिश हो जाती है, लेकिन वुडी उसे नहीं उठाता है क्योंकि बस के साथ ही और टाइम स्पेंड करना चाहता था। बहुत ज्यादा रात हो जाती है, थिएटर बंद होने वाला था, जहाँ पर लाइट जलती है। फिर नैन्सी उठ जाती है और उसे बोलती है कि जब मूवी खत्म हो गई थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया। बूढ़ी उससे कहता कि तुम बहुत ज्यादा गहरी नींद में थी और मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। और जब वो लोग वापस जा रहे होती है, तो नैन्सी उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी, मैंने शायद तुम्हारा मजाक खराब कर दिया, लेकिन मैं क्या ही करती, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि काफी टाइम से मैं सोई भी नहीं थी, क्योंकि मैं एक काफी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। बूढ़ी उससे पूछता है कि ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, जहाँ पर नैन्सी पहले उसे ये सोचकर नहीं बता रही होती है कि शायद बूढ़ी को रोमांटिक चीजें पसंद नहीं है और इसलिए उसे आज की मूवी भी अच्छी नहीं लगी थी।
लेकिन फिर वहाँ पर वुडी उसे कहने लग जाता है कि वैसे भी ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत ना पड़े, सो इसलिए यही बेटर होगा कि तुम मुझे सच सच बताओ। फिर फाइनली नैन्सी उसे बताती है कि उसका राइटिंग कंपटीशन है और वो नॉवेल लिख रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि वो क्या कहानी लिखे। वुडी तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि तुम नॉवेल भी लिखती हो। फिर वो कहता है कि सबसे अच्छी स्टोरी तो यही होगी कि तुम हमारी ओरिजिनल कहानी ही लिख दो। नैन्सी को भी वुडी का आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उनके बीच में अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ तो एक नॉवल में आराम से लिखा भी जा सकता था। लेकिन हमारा पागल हीरो यही सोच सोच के खुश हो रहा था कि अगर वो हमारी स्टोरी के ऊपर कहानी लिखेगी, यानी कि अपनी नॉवल लिखेगी, तो उसे फाइनली पता चल जाएगा मेरी फीलिंग्स के बारे में कि मैं उसे कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। वही दूसरी तरफ हमारे दूसरे कपल की लव स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर चैंग जोई की ऑफिस में आता है और देखता है कि जोई तो कॉल पे कॉल लिए जा रही है और कुछ ज्यादा ही बिजी है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि चलो किसी एडवेंचर ट्रिप पे चलते हैं और वैसे ही मस्ती करते हैं जैसे कि हम कॉलेज में करते थे। लेकिन यहाँ पर सोई कहती है कि मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम मस्ती कब की थी, मुझे बहुत सारा काम है और मैं अभी नहीं जा सकती। वो फिर से कॉल पिकअप करने लग जाती है, लेकिन फिर चैंग उसे जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। वो लोग एक सी साइड पर जाते हैं, जहाँ पर चैंग उसे कहता है कि तुम कॉलेज वाली सोई बन जाओ और सारे काम को भूल जाओ और यहाँ पर बहुत सारी मस्ती हम लोग करेंगे। लेकिन हमारा चैंग तो बेचारा हमेशा की तरह ही एडवेंचर से बहुत ज्यादा डरता था, तो इसलिए जोई को अकेले ही वाटर स्कर्ट करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन वो काफी ज्यादा मस्ती कर रही होती है और चैंग साइड में बैठकर उसे बहुत ज्यादा चीयर कर रहा होता है और उसे इतना खुश देखकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। फिर वो लोग बंजिंग जंपिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर पहले तो जोई अकेली जा रही होती है, लेकिन फिर चैंग उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। सोई जानती थी कि चैंग को इन सबसे बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर भी चैंग उसके साथ में जा रहा है, तो वो उसे बहुत ज्यादा डराने लग जाती है। बेचारा चैंग भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन फिर हिम्मत करके वो फाइनली जैसे ही कूदता है बेचारा बेहोश ही हो जाता है। वो लोग उसे ऊपर की तरफ खींचते हैं। चैंग तो इतना ज्यादा डर गया था कि उसे हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ता है। जैसे ही उसे होश आता है वो सुनता है कि जोई डॉक्टर के साथ में बहुत अच्छे से घुल मिलकर बातें कर रही होती है और वो काफी ज्यादा एडवेंचर की बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर और जोई दोनों को ही एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद था। लेकिन यहाँ पर तो हमारा चैंग बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। जोई उसे बात करने के लिए आती है, वो उसे सही से बात नहीं कर रहा होता है और वो उसे जब कुछ खाने के लिए देती है तब भी वो नहीं लेता, यानी कि वो जेलसी के मारे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और एकदम बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी अब ये सोचकर परेशान हो गई थी कि वो अपनी नॉवेल में अपनी और वुडी की स्टोरी में आखिरकार क्या लिखे, जहाँ पर वुडी भी उसे मैसेज करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। अपने मन ही मन में ये सोच सोच के खुश हो रहा होता है कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट तो जरूर आएगा जहाँ पर नैन्सी मुझसे नॉवल में लिखने के लिए हमारे बारे में पूछने के लिए जरूर आएगी, तो तब मैं उसे मेल और फीमेल की लव अट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, जैसे हाथ पकड़ना, टच करना, हग करना और प्यार से सहलाना, ये सब चीजें, जिससे कि शायद हो सकता है कि उसे मेरी फीलिंग्स फिर समझ में आ जाए। लेकिन फिर वो ये भी सोच के परेशान हो रहा होता है कि नैन्सी आखिरकार उसके बारे में क्या लिख सकती है और वो उसके बारे में क्या फील करती होगी। जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, नैन्सी अपने ऑफिस जाती है तो वुडी ये सब कुछ देख रहा होता है। फिर नैन्सी और उसके मॉम के जाते ही वो फटाक से नैन्सी के रूम में पहुंच जाता है और उसकी नॉवल को चेक करने लग जाता है कि उसने उसके बारे में क्या लिखा, और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि नैन्सी उसके बारे में तो कुछ अच्छा सोचती ही नहीं, बल्कि उसने तो हीरो की जगह वुडी को विलन ही बना दिया है, जो कि बेचारी नैन्सी पे बहुत ज्यादा जुल्म करता है, उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। साथ ही नैन्सी ने अपनी नॉवल का नाम रखा था माई डिमोनिक नेबर। ये सब कुछ पढ़ने के बाद तो बेचारे हमारे हीरो का दिल चकनाचूर हो जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये सोचकर कि नैन्सी उसके बारे में कितना बुरा फील करती है। वो उसका लैपटॉप तोड़ने जा रहा होता है, लेकिन फिर रुक जाता है और फिर खुद से नैन्सी के लिए नॉवल लिखने लग जाता है, जिसमें वो अपने करेक्टर को हीरो बना देता है और नैन्सी को प्यार में पागल मजनू बना देता है। वुडी नॉवल में लिखता है कि एक दिन वो अचानक से टेलीपोर्ट हो गई, नैन्सी के सामने आ गया। नैन्सी तो उसे देखकर एकदम पागल ही हो गई, क्योंकि वुडी बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट है। वो उसे बस किस करके उठाने वाली होती है, लेकिन तभी वुडी उसे रोक देता है कि तुम एक लड़की हो और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। नैन्सी उसके प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि वो तो उसे अपने हाथों से खाना खिला रही होती है और बार बार उसके करीब जाने का मौका ढूंढ रही होती है। साथ ही वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ कर गए, तुमने मुझसे शादी नहीं की और किसी और से शादी कर ली, तो मैं अपनी जान ले लूंगी। यंग मास्टर, जो कि नॉवेल का हीरो है, बहुत ज्यादा काइंड और बहुत ही ज्यादा जेंटलमैन है। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी लड़की उसके चक्कर में अपनी जान ले ले, और इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ बोल देता है।
और अपनी लिखी हुई ये नॉवल वो पढ़ने के लिए नैन्सी को देता है, जिसे पढ़ने के बाद तो नैन्सी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए नहीं मरी जा रही हूँ, तो तुमने ये सब क्यों लिखा, ये नॉवल एकदम बकवास है। पुड़ी उसे कहता है कि मैंने तो बस वही स्टोरी लिखी है जो कि एक नॉवल में होनी चाहिए। नैन्सी फिर उसकी उठ से टेडी बियर से बात करते हुए बोल रही होती है कि जब ये मुझे पहली बार मिला था तो उसके बाद से इसने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया, ये मेरे बाथरूम में भी घुस गया, मेरा सारा खाना इसने खा लिया और मेरी मॉम को सब कुछ बताने की धमकी भी इसने मुझे दी, तो अब इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपनी नॉवल में इसके बारे में अच्छा अच्छा कैसे लिख सकती हूँ। बुड़ी को भी फिर वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो नैन्सी को बोलता है कि अगर तुमने मेरी बनाई हुई नॉवल नहीं लिखी फिर तो तुम्हें नॉवल लिखने की जरूरत ही नहीं है। दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर बुड़ी से कहता है कि ठीक है तो फिर मैं पहले तुम्हारी नॉवल देखना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्या लिखा है। नैन्सी मन ही मन सोचकर बहुत ज्यादा डर रही होती है कि अगर इसने मेरी नॉवल पढ़ ली तो ये तो मुझे जान से ही मार देगा, क्योंकि मैंने इसे नॉवल में विलन जो बना दिया है। तो इसलिए वो ये झूठ बोल देते कि आज वो बिल्कुल भी फ्री नहीं थी, काफी बिजी थी और इसलिए उसने नॉवल नहीं लिखा, और ये कह के वो वहाँ से फटाक से भाग जाती है। बेचारा हमारा हीरो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था ये सोचकर कि नैन्सी उसके बारे में कितना बुरा बुरा फील करती है और ये सब कुछ सोचती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वुडी ने नैन्सी की बेस्ट फ्रेंड यानी कि सारा को वहाँ पर उसे मिलने के लिए बुलाया था, ताकि वो सारा से नैन्सी के बारे में पूछ सके, और सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर वुडी सारा से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर नैन्सी के सामने किसी का फर्स्ट इम्प्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो लेकिन वो बंदा बहुत ही ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट हो तो क्या नैन्सी को वो पसंद आएगा। लेकिन सारा उसे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नैन्सी लोगों के फेसेस से नहीं बल्कि उनके नेचर से उनको पसंद करती है। क्योंकि एक बार नैन्सी चैंग से रोड पर मिली थी और वहाँ पर चैंग ने उसे टिश्यू पेपर उठा कर दिया था, जिससे कि नैन्सी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और फिर उसके बाद से वो तो उसकी फैन गर्ल ही बन गई। साथ ही वो कहती है कि नैन्सी को नॉवेल के वो मेन हीरो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखते हैं, उनको प्यार करते हैं और हर डेंजर से उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। सारा का बॉयफ्रेंड भी ये सब कुछ वहाँ बैठकर सुन रहा होता है और उसे भी बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिल गए होते हैं, जिससे कि वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो नैन्सी को बहुत ही जेंटलमैन की तरह मैसेज करते हुए बोलता है कि मिस नैन्सी आज शाम को जल्दी आ जाना, क्योंकि हम लोग नॉवेल पे डिस्कशन करते हुए उसे अच्छे से कम्प्लीट कर लेंगे, लेकिन अगर तुम जल्दी नहीं भी आ पाओगी तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा और तुम्हारा वेट कर लूंगा। बुड़ी की ये सारी बातें नैन्सी को बहुत अजीब लग रही होती है, लेकिन वो काफी मुस्कुरा रही होती है सारे मैसेजेस पढ़ पढ़ के। और वहीं दूसरी तरफ हम चैंग को देखते हैं, जो कि जोई के ऑफिस में जाता है और ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि डॉक्टर जोई से मिलने के लिए आया हुआ था और वो लोग एडवेंचर पे जाने वाले थे। चैंग यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि इतनी मुश्किल से तो उसने जोई की बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़वाया था और अब ये डॉक्टर कहाँ से आ गया, और फिर वो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जोई और डॉक्टर बहुत ही ज्यादा एडवेंचर कर रहे होते हैं, काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब लोग लंच कर रहे होते हैं तो डॉक्टर जोई से कहता है कि मुझे लगता है कि चैंग तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन जोई यहाँ पे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से साथ में हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और अगर ऐसा होता तो चैंग मुझे कब का बता चुका होता, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फिर डॉक्टर उसे समझाता हुआ कहता है कि लड़की अपने प्यार के फीलिंग को इतनी जल्दी कन्वेंस नहीं कर पाते हैं, वो झूठ बोलते हैं और अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि उनका पार्टनर खुद से ही उनकी सारी बातों को समझ ले। डॉक्टर उसे कहता है कि अब तुम्हें चैंग की सारी हरकतों पर नजर रखनी होगी ताकि तुम्हें सच पता चल जाए। सोई भी डॉक्टर की सारी बातें सुनकर काफी हंस रही होती है। वहीं दूसरी तरफ नैन्सी मिलने के लिए वुडी से जाती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि वुडी नॉवल के कैरेक्टर के हीरो की तरह बहुत ही जेंटली और काइंडली बिहेव कर रहा होता है और बहुत ही क्यूट क्यूट हरकतें कर रहा होता है। और दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है, तो आगे की क्या स्टोरी होने वाली है ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना।